वो आपको सुनना चाहते हैं, फुल आंसर प्लीज। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपके आईआईएमटी यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर एससी थलेड़ी जी का, जिन्होंने मुझे आज आप लोगों से मुखातिब होने का, विद्यार्थियों के साथ गुफ्तगू करने का एक अवसर प्रदान किया। साथ में इसी विभाग के एचओडी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन फिल्म एंड टेलीविजन स्टडीज के एचओडी विशाल सर, और आज के इस आयोजन के इवेंट कोऑर्डिनेटर मिस्टर विभोर गौर सर का के प्रति भी मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। साथ ही मुझे दिखाई दे रहे हैं भारत भूषण शर्मा जी, आपका जितना मैं अभी जितना समझ पा रहा हूँ, जितनी मेरी कुल उम्र है उतना आपका रंगमंची तजुर्बा है ऐसा मैं मानता हूँ, और सुवर्ण सर भी हैं। तो मेरे अग्रज जब हैं और फिर ऐसी थलेड़ी जी तो हैं ही, तो इतने प्रबुद्ध विद्वान और अनुभवी गुरुजनों के सामने, अग्रजों के सामने कुछ बोलना, ये सूरज को दिया दिखाने जैसी धृष्टता करना है। फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं कुछ बातें कर पाऊँ आज के विषय पर। मैं दो कविताओं के बीच में अपनी बात रखूंगा। मुझे हमेशा जो काव्य है यानी जो पोइट्री है वो हमेशा अच्छी लगती है, इस मायने में कि वहाँ पे कम शब्दों में ज्यादा बात की जा सकती है। तो पहली कविता रहेगी कला और दूसरी रहेगी लोक। तो जो मैं लोक कविता सुनाऊं तो आप समझ लीजिएगा कि अब बात समाप्त है, और मैं कला से शुरू करता हूं। तो कुछ कुछ चीजों को समेटते चलूंगा। ये मेरी कविता है कला। बहुत सारी बातें इस कविता में ही आ जाएंगी मुझे ऐसा लगता है। कला साधना में रत शिक्षक ने सोचा कला साधना बनेगी, साधना आराधना बनेगी। कला जब साधना है तो साध्य क्या है? कला आराधना है जी तो सर, आराध्य क्या है? नजर आवाज नहीं आ रही है आपकी, कट रही है आवाज। नहीं आ रही सर, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आप बोल सकते हैं सर। चलिए, कला साधना में रत शिक्षक ने सोचा कला साधना बनेगी, साधना आराधना बनेगी। कला जब साधना है तो साध्य क्या है? कला आराधना है तो आराध्य क्या है? महज चंद प्रस्तुतियां, मुट्ठी भर प्रदर्शन, आत्म प्रस्तुति के एकाधिक अवसर प्रतिभा परिष्कार कर सकेंगे। क्या गिनती के कलाकार जन जन में कला के संस्कार गढ़ सकेंगे? कला रोजगार का साधन बनेगी, सम्मानजन्य संसाधन बनेगी। कलाकार स्वयं से प्यार कर सकेंगे, अपनी कला के प्रति दीर्घ अनुराग रख सकेंगे। सोचते सोचते शिक्षक उदास हो गए। अचानक उसके मनोमस्तिष्क में एक विचार पौंधा, वो खुशी से झूम उठा। उसने सोचा कलाएं ही तो मनुष्य को मनुष्य बनाएंगी, साहित्य ही उनमें इंसानियत जगाएगा। चाहे रोटियां न दिला सकेंगी कलाएं, विचार के सृजन के नए विकल्प देंगी, और सहारे उम्मीद रूपी दीपक के अभ्यास रूपी तेल से प्रतिभा रूपी बाती दमक उठेगी। कलाएं निश्चय ही मनुष्यों में बेहतर मनुष्य और पत्थरों में देवता गढ़ेंगी। ये मेरे विचार थे कलाओं के संदर्भ में, क्योंकि विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययन अध्यापन करते हुए एक विद्यार्थी के बतौर कलाओं को जानने समझने की प्रक्रिया में जो मेरे समझ में आया तो मैंने इन पंक्तियों में लिखने की कोशिश की। इसमें समग्र कलाएं जो आज का विषय है, जिसमें जो है थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस यानी नाट्य कला एवं शांति की संस्कृति। तो असल में बात क्या है कि शांति की संस्कृति से ही बात शुरू करते हैं, तो रंगमंच तो शांति में होता ही नहीं, क्योंकि रंगमंच की जो भारतीय अवधारणा है यदि उसको देख लिया जाए तो उसके दो स्वरूप हमें सामने दिखाई देते हैं, एक है भारतीय शास्त्रीय रंगमंच और दूसरा है हमारा ट्रेडिशनल थिएटर जिसको हम फोक थिएटर के नाम से जानते हैं, और दोनों ही उल्लास में है, उल्लास से ही शुरू होते हैं। इसी के पहले यदि वैश्विक अवधारणा के संदर्भ में यदि हम बात करें
तो पश्चिम में जो एरिस्टोटल का काव्य शास्त्र पोएटिक्स हमें पहला ग्रंथ मिलता है, जिसमें वो थ्योरी ऑफ कैथारसिस की बात करते हैं, जिसमें पिटी और फियर के माध्यम से परगेशन की बात होती है। तो ये दो वैश्विक अवधारणाएं रंगमंच को लेकर के हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ और ये लगभग एक ही कालखंड की है, यहाँ हमारा नाट्य शास्त्र और वहाँ पोएटिक्स और ग्रीक थिएटर और उससे पहले भी यदि हम बात करें कि रंगमंच कब प्रारंभ हुआ होगा, तो इसके बारे में एक सामान्य सी बात निकल करके ये आती है कि जब बोलियों भाषाओं का आविष्कार नहीं हुआ था, हम जानते हैं कि जो विकास क्रम में चीजें आई ये क्रमशः एक के बाद एक आती चली गई। पहले ध्वनि थी, बाद में शब्द बने। ये ठीक उसी तरह था जैसे पहले बार्टर सिस्टम था, उसके बाद करेंसी आई, उसी तरह का डेवलपमेंट है। तो उसमें ध्वनियों के माध्यम से अपनी बात को कहने की प्रक्रिया तो आदि मानवों के क्रम में शुरू हो गई होगी, हमें उस इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो धीरे धीरे विकसित होता गया, रंगमंची स्वरूप में आता गया, और फिर जब शेक्सपियर कहते हैं कि दुनिया एक रंगमंच है और हम सभी अपनी अपनी भूमिकाएं अदा कर रहे हैं, जैसा कि विभोर जी ने भी कहा, तो पश्चिमी अवधारणा से हमारा देश का रंगमंच पूरा पूरा प्रभावित रहा है, मेरा ऐसा मानना है। और इस पूरी वाहपोह में, इस पूरी दौड़ा मतलब भागा दौड़ी में, और उसमें भी यदि हम जब रेनेसा को देखते हैं, खास तौर से पुनर्जागरण कालीन रंगमंची विकास क्रम हम देखते हैं, उसके साथ साथ केवल रंगमंची विकास क्रम नहीं है, जब जो ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन था, वो चीजें जो खो गई थी वो फिर दोबारा प्रकाश में आती हैं। सारा रंगमंच जो मुझे लगता है उसके पीछे दो प्रकार की चीजें हैं। एक तो यह है कि रंगमंच पहले खास था, बाद में आम हुआ। ये आम थी ठीक उसी तरह से हुआ, यानी अवाम का हुआ, यदि मैं आम कहूँ तो खास ठीक उसी तरीके से है जैसे आप रियलिज्म के आने से पहले का रंगमंच देखें, इवन शेक्सपियरियन कालीन या उससे पहले का जितना भी पाश्चात्य रंगमंच है देखें, यदि उसकी हम बात करें तो वो एक एलिट क्लास का रंगमंच था। और एलिट क्लास का रंगमंच जब रियलिज्म के समय में आता है तो वो पूरी अवधारणा ही उसी तरीके से होती है। और जिस तरीके से ज्ञान कुछ ही लोगों की पूंजी थी, और वो जब ज्ञान का प्रसार हुआ, जब हस्तलिखित की जगह पर हमारा प्रिंटिंग प्रेस आया और फिर सूचनाएं और तमाम चीजें लोगों के बीच में फैली, तो उसी के साथ साथ रंगमंच और कलाएं भी आई। आप तमाम पेंटर्स को भी देखते हैं रेनेसा के, और फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। लेकिन यथार्थवाद के आने तक, प्रकृतिवाद के आने तक, नेचुरलिज्म और रियलिज्म से पहले तक का जितना भी है, सारा का सारा रंगमंच मेरे हिसाब से खास रंगमंच है। उसके बाद वो आम रंगमंच बनता है। आम रंगमंच क्या है, हिंदुस्तान में भी उस तरह की अनुभूति दिखाई देती है, और ये सारा का सारा वैश्विक प्रभाव है जैसा हमें रंगमंच में दिखता है। वो किस तरह से है, हिंदुस्तान में भी जो नाटक लिखे गए वो यथार्थवादी नाटक लिखे गए। मूल मुख्य भूमिकाओं में जो पात्र थे इससे पहले के राजा महाराजा सामंत संभ्रांत लोग न होकर के आम परेशानियां आम लोगों की चीजें सामने आने लगी। और ये प्रक्रिया हमारे देश में हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों से दिखाई देती है। और उसके बाद आजादी के आसपास इस तरह के बहुत से नाटक लिखे गए, नवान वगैरह या इप्टा का जितना मूवमेंट रहा, या और भी जितने नाटक हमारे देश में लिखे गए, मध्यम वर्ग धीरे धीरे उभरा तो उसकी समस्याएं मुख्य भूमिकाओं में मुख्य स्वरूप में आने लगी, कहानियां उसके आसपास बुनी जाने लगी। तो इस तरह का एक विकास क्रम हमें दिखाई देता है। लेकिन प्रकारांतर में हुआ क्या, जो हमारा रंगमंच क्लासिक से मतलब आम आदमी का रंगमंच बना था, वो उसको हमने फिर खास बना दिया, चाहे अनचाहे गाहे बगाहे जैसे भी ये हुआ। लेकिन हुआ, सच्चाई यही है कि फिर वो अवाम का रंगमंच खास रंगमंच बन गया। तो हिंदुस्तान में भी फिर एक दूसरे प्रकार की बात आई कि अब थर्ड थिएटर होना चाहिए, यानी फर्स्ट सेकंड थिएटर के बाद थर्ड थिएटर की बात आई, फिर रंगमंच को अवाम के बीच में ले जाने की बात आई। लेकिन वस्तु स्थिति आज भी यदि हिंदुस्तान के रंगमंच की हम बात करें तो हिंदुस्तान का रंगमंच की वही स्थिति है जो हिंदुस्तान की है। इस देश का 90% संसाधन जो है रंगमंच के, वो मुट्ठी भर संस्थाओं के पास है। इस देश के रंगमंच के अधिकाधिक संसाधन कुछ ही संस्थाओं के पास हैं, उनकी संख्या 2-4 हो सकती है, और जो 90% से ज्यादा देश का रंगमंच है वहां पर संसाधन ही नहीं है। वहां पर कोई ग्रुप अगर नाटक तैयार करता है तो उसके पास इतने इतना धन नहीं है कि वो ऑडिटोरियम बुक कर सके, क्योंकि ऑडिटोरियम के जो किराए हैं वो एक रात के 3 घंटे के 10,000 15,000 20,000 हैं। तो ये जो मतलब एक तरीके का विरोधाभास है, इसी से उपजी है रंगमंची अशांति। समझ रहे, जो आज का रंग जो पीस की बात जो हम कर रहे हैं, तो सारा का सारा विभेद इस तरह से है। तो होना क्या चाहिए था, और इसमें सबसे बड़ा नुकसान भी रंगमंच का ही हुआ है। वो रंगमंच का नुकसान इस तरीके से हुआ है
हमारे देश के रंगमंच की के दो मौलिक स्वरूप है, ऐसा मेरा पिछले 10-12 वर्ष में विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करते हुए मेरे समझ में आया है। एक हमारे देश का जो रंगमंच का मौलिक स्वरूप था वो था भारतीय शास्त्रीय रंगमंच, जिसे हम संस्कृत रंगमंच के नाम से जानते हैं, जिसमें भास, कालिदास, भवभूति, शूद्रक, नाट्यशास्त्र और पूरी परंपरा है। ये हमारा मौलिक रंगमंच है, ये हिंदुस्तान की जमीन का रंगमंच है। दूसरा जो हमारा रंगमंची स्वरूप है वो है फोक थिएटर। उस फोक थिएटर के तमाम वेरिएशन हो सकते हैं और वो भी हमारा मौलिक स्वरूप है। जैसे अभी हमारे पास सुवर्ण जी यहाँ से जुड़े हैं, आपका उत्तराखंड के लोक रंगमंच और थाती को लेकर के, उस विरासत को लेकर के बहुत आपका काम है। मैं तो बहुत ज्यादा नहीं कर पाया, तो मुझे स्वीकारने में भी कोई गुरेज नहीं है, लेकिन ये हमारे दो के दो जो है मौलिक रंगमंची स्वरूप है। लेकिन हुआ क्या, दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि हमारे जो अपनी मौलिक रंगमंची स्वरूप थे, हम इसको विकसित नहीं कर पाए और इसको आगे नहीं बढ़ा पाए किसी भी रूप में। हम जब आगे नहीं बढ़ पाया, और एक गजब की बात यह है कि इसको जिस वर्ग ने संभाला, सजाया, बचाया और आगे बढ़ाया, उस वर्ग को भी हम कोई सम्मान नहीं दे पाए। तो इसके चलते क्या हुआ कि पूरी की पूरी जो विरासत थी वो एक तरीके से समाप्त हो गई, एक तरीके से समाप्ति की तरफ चलेगी। जबकि यदि वो विकसित हो जाता, और ये बात मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, पुराने हमारे अग्रजों ने कहे हैं, हमारे गुरुजनों ने भी इसी तरह की बात की है। जब मैंने अपना शोध किया कुमाऊं के रंगमंच के बारे में, तो मुझे पता चला कि मोहन उप्रेती जी भी ऐसी बात कहते थे। वो भी चाहते थे कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय लोक नाट्य विद्यालय स्थापित हो, लोक रंगमंच के प्रशिक्षण के संस्थान स्थापित हो। ये मोहन उप्रेती जी चाहते थे, जिनका उत्तराखंड के रंगमंच के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण अवदान है, योगदान है। तो हुआ क्या कि हमारी अपनी थाती तो जो बहुत मौलिक थी, बहुत ज्यादा चीज हमारी जमीन से जुड़ी हुई थी, और लोक रंगमंच का प्रस्तुतिकरण का स्वरूप क्या था, और ऐसा ही जैसा एक दो राज्यों में, मुझे लगता है कि सभी राज्यों में कमोबेश वैसा ही होगा, वो क्या था, वो कृषि से जुड़ी हुई थी। वहां का जो रंगमंच था एक तरह का अनुष्ठानिक रंगमंच था, और जैसे ग्रीक का भी हम रंगमंच देखते हैं, वो मूलतः अनुष्ठान है, उसी में से रंगमंची परंपराएं विकसित हुई है। ठीक इसी तरह से हमारे देश में भी जो लोक रंगमंची स्वरूप है वो अनुष्ठान के रूप में है, और वो स्वाभाविक रूप से उनकी मनोरंजनात्मक अभिव्यक्तियां हैं, वो भी उस कालखंड की, जबकि आज के जैसे मनोरंजन के संसाधन हमारे पास नहीं थे, तो ये उस कालखंड में विकसित हुई मनोरंजनात्मक, यानी ऐसी अभिव्यक्तियां हैं, लोकाभिव्यक्तियां हैं, तो इस तरह से विकसित हुई है। और उसका खेती से सीधा सीधा संबंध है, खेती मतलब श्रम से संबंध है। और यदि हम वैश्विक संदर्भ में भी देखें तो वहां भी एक बात आती है, एक्टिंग इज डूइंग। बाद में क्या हुआ, हमने उसको इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स बना दिया, उसको कर्म से दूर कर दिया। तो इसके चलते तमाम तरह की दिक्कतें रंगमंच में आई हैं, ऐसा मेरा मानना है। अन्यथा रंगमंच एक्शन से जुड़ा हुआ है, एक्शन यानी गतिविधि, यानी एक्ट, प्ले। प्ले जैसे इसका यदि हम ड्रामा को ट्रांसलेट करते हैं तो प्ले, प्ले मतलब प्लेफुलनेस, और प्ले यानी खेलने की प्रक्रिया कभी अच्छी मनस्थिति में ही हो सकती है। इसलिए जो ये प्लेफुलनेस जो है ये समाज में स्वाभाविक रूप से रही हमारे देश में, और तमाम तमाम प्रकार से रही है, तमाम स्तर पर रही है, और तमाम हमारा जिस प्रकार का सामाजिक संगठन है, सामाजिक स्वरूप है, विभिन्न इलाकों में अलग अलग प्रकार से लोकाभिव्यक्तियां रही है। लेकिन ये एक समग्रता में कहीं भी ऐसा कोई भी इसका प्रशिक्षण के संस्थान आज तक भी हमारे देश में नहीं है। तो अब इसमें स्थितियां क्या है कलाओं में, मैं तो खासतौर से रंगमंच के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करूंगा, क्योंकि मेरा अनुभव और तजुर्बा पिछले 20-22 वर्षों का केवल रंगमंच का ही है। इसमें भी जो प्रॉब्लम है, जो मैं शांति पर ही बात करना चाहता हूँ, तो अशांति के कारण क्या है कि बहुत सारे कारण है। एक तो ये विषय इतना व्यापक है, भरत मुनि खुद कह गए हैं कि न तद ज्ञानम न तत् शिल्पम न सा विद्या न सा कला न सो योगो न तत्कर्मम नाट्य अस्मिन् यन्न दृश्यते। यानी ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं, ऐसी कोई विद्या नहीं, ऐसी कोई कला नहीं, ऐसा कोई योग नहीं, और ऐसा कोई कर्म नहीं जो नाटक में शामिल ना हो। ठीक है, इसलिए मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, सेम टाइम बोलते हुए डर भी रहा हूँ कि कुछ गलत ना बोल दूं, क्योंकि आज के समय में जो हमारे देश में रंगमंच के सबसे बड़े लिविंग लेजेंड माने जाते हैं, प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का ये स्टेटमेंट है कि वो 50 वर्षों से नाट्य शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और अब कुछ कुछ उनके समझ में आने लगा है। 50 वर्षों से नाट्य शास्त्र का अध्ययन करने के बाद गुरु जी के समझ में कुछ कुछ आ रहा है, तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो उसी अल्पज्ञता को फिर भी जाहिर कर रहा हूँ आप लोगों के सम्मुख। लेकिन बात यह है कि हमारे पास इतनी बड़ी थाती रही है रंगमंच की। ये तो शास्त्रीय रंगमंच की बात आ रही है कही, जिसकी मैंने राधा वल्लभ त्रिपाठी जी के संदर्भ में बात कही। इतनी ही बड़ी थाती हमारी कंठानुकंठ परंपरा की भी रही है, जो हमारा लोक रंगमंच रहा है। तो
लेकिन बात क्या हुई कि ये अब हम कहते हैं कि हम बात करते हैं कि बच्चे अपनाना नहीं चाहते, वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ उन्मुख हो रहे हैं, जबकि सच्चाई है कि हमने बच्चों को कभी वो चीजें उपलब्ध ही नहीं कराई। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि जो बच्चा हमारा ढोलक सीख रहा है, हारमोनियम सीख रहा है, तबला सीख रहा है या गिटार सीख रहा है, वो हमारा हुड़का ढोल या हमारे फोक इंस्ट्रूमेंट नहीं सीखेगा। हमने उसके प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था ही विकसित नहीं कर पाए। और आपको जानकर के ताजुब होगा कि हमारे उत्तराखंड का एक वाद्य है ढोल, उस ढोल पर जर्मनी के किसी विश्वविद्यालय में, मैं नाम भूल रहा हूँ, वहां पर ढोल का विभाग खुला हुआ है। उत्तराखंड के लोकवाद्य का विभाग जर्मनी में खुला हुआ है, लेकिन उत्तराखंड के लोकवाद्य का विभाग ना उत्तराखंड में है ना भारत में। आप समझ रहे विडंबनात्मक स्थितियां क्या है। तो कहने का मतलब क्या है कि और आज भी जो फोक सॉन्ग हमारे आते हैं, आप देखिए बच्चे कैसा एंजॉय करते हैं, कितना डांस होता है, सब जगह पार्टियों में वो गाने बज रहे हैं, चाहे हमारा पंजाब का भांगड़ा हो, उत्तराखंड के जो गीत प्रीतम भरतवाड़ी हमारे और मित्र गाते हैं, या जो भी वहां का फोक है, ऐसे पूरे देश में सब जगह के फोक गीतों को लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, वो इतना मौलिक है। और एक गजब की बात मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान से जब जब भी प्रस्तुतियां बाहर गई है, वो या तो लोक प्रस्तुतियां रही हैं या वो हमारी शास्त्रीय प्रस्तुतियां रही हैं, क्योंकि स्तरीय स्वरूप दो ही मौलिक स्वरूप, दो ही जगह हमें मौलिक स्वरूप प्राप्त होता है। अब यदि आप मुझसे कहें कि मैं एलिजाबेथन एरा का कोई नाटक करूं विलियम शेक्सपियर का, या मैं ग्रीक कोई थिएटर को यहाँ पर इंडिया में करूं उसकी परफॉर्मेंस करूं, तो वो तो मुझसे बेहतर हमेशा ग्रीक ही कर पाएंगे ना, क्योंकि वो हमारा है कि नहीं। हम कितनी ही कॉस्ट्यूम डिजाइन कर लें, लाखों का बजट उस पर खर्च कर लें, लेकिन मूल स्वरूप तो ये उनका ही है। तो हम अपनी चीजें ही हर जगह पर, हर स्तर पर हम अपनी चीजों को कम आंकने में लगे रहे, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमने अपनी कलाओं को भी, हमारी कलाएं भी सिमट गई। ये केवल कलाओं के प्रस्तुतिकरण को कम आंकने के स्तर पर नहीं हुआ, बल्कि कलाकारों को प्रश्रय देने, उन्हें प्रोत्साहित करने और कलाओं के मौलिक स्वरूप को आगे बढ़ाने के स्तर पर भी हमें दिखाई देता है। और काश ये हुआ होता तो आज हमारी कलाओं के मौलिक स्वरूप बहुत बहुत विकसित अवस्था में होते, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन ये नहीं हो पाया। तो रंगमंच का जो प्राय, ये मैंने थोड़ी सैद्धांतिक सी बात करी, और ये व्यावहारिक रूप में भी आपको इसी तरह से दिखाई देगी। समय होगा तो मुझे बता दीजिएगा जब मुझे रुकना होगा, ठीक है। तो जो रंगमंच का प्रायोगिक स्वरूप है, प्रायोगिक स्वरूप में भी यही स्थिति हमें कमोबेश दिखाई देती है। अब इस देश का रंगमंच जो है वो मुट्ठी भर संस्थानों का रंगमंच नहीं है, जिनके पास मोर देन 90% रिसोर्सेज है। वहां 10 लाख 20 लाख का नाटक हो रहा है, और इस देश का रंगकर्मी 10 साल 20 साल से कोई नाट्य संस्था चला रहा है, और वो 10,000 20,000 रुपए का ऑडिटोरियम बुक नहीं कर पा रहा है। तो कहीं तो हमारा बैलेंस जो है गड़बड़ है, कहीं हम मतलब रिवॉल्विंग स्टेज बना करके किसी छोटे से कथानक को प्रस्तुत कर दे रहे हैं। इसलिए देखिए, मैं फिर इस बात को यहां से जोड़ता हूँ, इसलिए देखिए जिन संस्थाओं के पास संसाधन थे वो भी कोरोना काल में कोई चमत्कार नहीं कर पाए। अगर ऐसा होता तो कोरोना काल में संसाधन वाले जो संस्थान थे उन्होंने लाखों पर प्रस्तुतियां कर दी होती, बहुत कुछ वहां से निकल के आ गया होता, लेकिन वो भी केवल टॉक ही कर पाए, विचार विनिमय ही हो पाया, रंगमंची प्रस्तुतियां नहीं हो पाई ऑनलाइन माध्यम से। इससे एक बात ये तो सिद्ध हो गई कि ये ऑनलाइन का माध्यम तो नहीं है कम से कम रिकॉर्ड रंगमंच। कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, आप बोलिए सर। ओके ओके, तो ये ऑनलाइन का माध्यम नहीं है, इतना कोरोना काल में पता चल गया हमें। तब तो जब ऑनलाइन का नहीं है तो ये सीधी सीधी बात है ऑफलाइन का माध्यम है, यानी जब तक आमने सामने का संपर्क स्थापित नहीं होगा तब तक रंगमंची या कलात्मक गतिविधियां हो नहीं सकती, ठीक है। तो ये जो एक स्थिति है संसाधनों के स्तर पर, दूसरी क्या है, रंगमंच के प्रशिक्षण के स्तर पर भी हम लोग बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाए। अब हम कुछ सौभाग्यशाली लोग आज के इस पैनल में शामिल हैं, जैसे हमारे अग्रज सुवर्ण राव जी को एनएसडी से पढ़ने का मौका मिला, रुद्रदीप चक्रवर्ती जी भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट हैं, इत्तेफाक से मैं भी भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ से प्रशिक्षित हूँ। तो हमारी अगर हिंदी की बेल्ट यदि हम देखें तो हिंदी की बेल्ट में प्रशिक्षण के केवल दो ही संस्थान है जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, उसमें सबसे बड़ा संस्थान है एनएसडी और दूसरा है बीएलए। तो यहाँ पर कुछ हद तक संस्थान है, लेकिन जो हिंदी भाषी पट्टी के जो राज्य हैं जिसके अंतर्गत आपका आ जाता है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सब इतने सारे राज्यों में, और पूरे भारत में भी ये दो ही संस्थान है। ऐसा नहीं है कि और राज्यों में कोई और ऐसे व्यावसायिक प्रशिक्षण के संस्थान है। तो वस्तु स्थिति है, और जनसंख्या देखिए करोड़ों अरबों में हमारी जनसंख्या है। तो कहने का मतलब क्या है, शिक्षण प्रशिक्षण में भी बहुत कमी है रंगमंच में। और जहाँ विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालयों में तो यह है कि देश के अधिकांश विश्वविद्यालय एक या दो फैकल्टी से चल रहे हैं, वहां पे फैकल्टीज का बड़ा अभाव है। तो कहने का मतलब क्या है कि कुल मिला के रंगमंची और कलात्मक जो चीजें हैं
इसके शिक्षण प्रशिक्षण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है जैसा मुझे महसूस होता है। और जो नई एजुकेशनल पॉलिसी है जो अभी आई है, इसके अंतर्गत स्किल्स पे बहुत ज्यादा जोर है, क्योंकि जो स्किल्स है ये डेवलप की जा सकती है। इसके अलावा एक ही बात चलती है कि अभिनेता आप बन सकते हो, हम आपको अभिनेता नहीं बना सकते। ये तो ठीक उसी तरह की बात है कि कोई कहे कि इंजीनियर आप बन सकते हो, हम आपको इंजीनियर नहीं बना सकते। तो ऐसा आदमी जब इंजीनियर बनेगा, जो कहेगा कि तू इंजीनियर बन सकता है, मैं तुझे इंजीनियर नहीं बनाऊंगा, तो वो तो इंजीनियर बना देगा, लेकिन वो सारा कंक्रीट बर्बाद कर देगा, सारे फ्लाईओवर गिर जाएंगे हमारे। अगर इंजीनियर बन नहीं सकता तो फिर इंजीनियर बनाया क्यों जा रहा है? यदि अभिनय का प्रशिक्षण लेकर के विद्यार्थी अभिनेता बन नहीं सकता है, तो अभिनय का प्रशिक्षण दिया क्यों जा रहा है? मैं तो इसके विपरीत राय रखता हूं। मेरा मानना यह है कि यदि विद्यार्थी मेहनत करे तो अभिनेता बन भी सकता है और बनाया भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में भी एक दो इसमें भी वो है, क्या क्या बोलेंगे, वो जो स्टार लगा रहता है ना, वो इसमें भी है। तो अंकुर जी कहते हैं कि अभिनेता जो है दुनिया का सबसे आलसी जीव होता है, वो कुछ करता नहीं है, केवल सपने देखता है। ये हमारे गुरु जी के कोर्स हैं, मैं जो आपके सामने रखूं। तो कहने का मतलब कि अब आप कहेंगे, आप तो कह रहे हो कि अभिनेता बनाया जा सकता है, लेकिन अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो नहीं बन सकता है। ये बात भी उतनी सही है, लेकिन अगर मेहनत करेगा तो आप उससे अभिनय करवा सकते हैं। और ये जो है, ये करने मेरे लिए, मैं जो मानता हूँ, मेरा 10 साल का जो अभिनय का प्रशिक्षण का अनुभव रहा है तमाम विश्वविद्यालयों में, मैं ये मानता हूँ कि अभिनय जो है करने से होने तक की प्रक्रिया है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे कविता करने से होने तक की प्रक्रिया है, राइटिंग या और भी चीजें जो स्किल्स हैं या जो भी चीजें हैं वो सीखने हम शुरू करते हैं और उसमें हमें मजा आता है, फिर हम उसको सीखते चले जाते हैं। जब हम सीखते चले जाते हैं तो फिर वो हमसे होने लगता है। तो इसी तरह से अभिनय के संदर्भ में भी है। अब बात शांति की आती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक तो अभिनय का जो काम है ये कॉन्फ्लिक्ट में डेवलप होता है, मैंने पहले बता दिया कि आदर्श परिस्थितियां नहीं है। तो जो रंगमंच का कॉन्फ्लिक्ट, जब अभिनेता का व्यक्तिगत कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, जब वो चरित्र की प्रस्तुतियों को, चरित्र की चीजों को व्यक्ति के साथ जोड़ देता है, तो जीवन में अशांति आ जाती है। मतलब मैं इसको और थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ किस तरीके से है। एक तो हम मंच पर एक चरित्र को जी रहे होते हैं जो क्रमशः कॉन्फ्लिक्ट में ही आगे बढ़ता है। बिना कॉन्फ्लिक्ट के तो किसी, बिना द्वंद्व के तो किसी नाटक की परिकल्पना किया जाना भी संभव नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि मुट्ठी भर लोग हैं जो थिएटर के लिए लिख पाते हैं, उससे भी कम लोग हैं जो टेलीविजन के लिए लिख पाते हैं, और फिल्म के लिए लिखने वालों की स्थिति तो वो तो और भी बहुत कम लोग हैं, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक है ये मीडियम। और रही बात प्रशिक्षण की, और टेलीविजन और फिल्म का प्रशिक्षण यदि कहीं होता है तो वो केवल एक ही जगह पर हो सकता है, वो है रंगमंच। रंगमंच के अतिरिक्त कोई दूसरी जगह प्रशिक्षण नहीं हो सकता टेलीविजन फिल्म का भी, या ऐसा मेरा मानना है। तो मैं जो कह रहा था कि ये कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति क्या है, अब रंगमंच में अभिनेता जिन परिस्थितियों को जीता है मंच पर, उसके विपरीत परिस्थितियां उसके जीवन में है। ये हमारे हिंदुस्तान का मतलब एक प्रकार का द्वंद्व है, हमारे हमारे भीतर ही इस तरह का द्वंद्व है। और वो कैसे है, मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताऊंगा। वो इस तरह से है कि जो पश्चिम का जो पूरा विचार है और जो दृष्टिकोण है वो भौतिकतावाद पर टिका हुआ है, और हमारा जो दृष्टिकोण है वो भाववाद पर टिका हुआ भाई है। तो आ रहे ले सकते हैं नूपुर जी ले सकते हैं को ले दूँ सर, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। तो ये भौतिकतावाद भाववाद क्या, इसलिए देखिए सारी वैज्ञानिक तरक्की, सारा सारा प्रोग्रेस उन लोगों ने वहां किया, और वहां भी एक तरह का अभाव है। वहां पर सामाजिक स्थितियां बहुत बुरी तरीके से मतलब धराशायी हुई हैं, स्थितियां बहुत खराब हैं, इसलिए वो आध्यात्म और योग के लिए फिर हमारे देश की तरफ आ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, भौतिक विकास उस स्तर पर नहीं है, और भाववाद का प्रचलन है। भाव हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, मतलब भाव पर केंद्रित है हमारा। तो अभिनेता भी अपने जीवन को, उसके जीवन में अशांति आने का कारण जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं शांति पर ही बोलना चाहता हूँ, नहीं तो विषयांतर हो जाएगा, वो ये है कि वो भाव को तो जीता है मंच पर भी उसी भाव के माध्यम से अपनी दुनिया को संचालित करता है। तो जो भाव है उसके जीवन का अभाव बन जाते हैं, क्योंकि जीवन तो कटु यथार्थ पर आधारित है। इसलिए मुझसे कभी कभी विद्यार्थी कहते हैं, गुरुजी रंगमंच करने के लिए क्या हो सकता है? तो मैंने कहा, मैं अक्सर विद्यार्थियों को बताता हूँ कि दो चीजें हो सकती हैं। अगर आप आर्थिक रूप से घर से सक्षम हो तो आप रंगमंच कर सकते हो, और यदि आपके पास आर्थिक स्थितियां बहुत प्रतिकूल हैं तो पहले थोड़ा सा आमदनी का साधन खोजिए, नहीं तो आप लंबे समय तक रंगमंच नहीं कर पाएंगे। मैं भी खुद 20-22 साल से रंगमंच कर रहा हूँ, तमाम विरोधाभासों के बावजूद। तो कहने का मतलब क्या है कि उसको, अभिनेता को स्थानीय संस्कृति भी इस बात को कहते हैं, मैं कोई नई बात अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा, स्थानीय संस्कृति रिलैक्सेशन की बात करते हैं अपने अभिनय सिद्धांत में।
और रिलैक्सेशन को हम समझ लेते हैं कि एकदम रिलैक्स हो जाना, जबकि स्तानिस्लावस्की का जो रिलैक्सेशन है वो टोटल अटेंटिव पोजिशन है। भारत भूषण शर्मा जी बैठे हैं, सुवर्ण जी हैं, या तमाम रंगमंच के लोग हैं, थलेड़ी जी भी है, तो आप जानते हैं कि रंगमंच में जब हम अभिनय कर रहे होते हैं तो हम सबसे ज्यादा अटेंटिव पोजिशन में होते हैं, वहां आप रिलैक्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास लाइट के क्यू होते हैं, सेट के क्यूज होते हैं, आपकी एंट्रीज होती हैं, एग्जिट्स होती हैं, उसके बीच में डायलॉग्स के, म्यूजिक के क्यूज होते हैं, तमाम चीजें होती हैं, मल्टीपल जगह चीजें आपके पास रहती हैं, और वो सब चीजें आपने रियलिस्टिकली करनी है, एज्यूम नहीं करना है कि कुछ हो रहा है और वास्तव में सब कुछ घटित होना है। तो ये रंगमंच मेरे हिसाब से बड़ी कला है, और इसको इसमें हम धीरे धीरे प्रशिक्षण अर्जित करते हुए उत्कृष्टता के स्तर तक पहुंच सकते हैं। और शांति बनाए रखने का जहां तक मतलब सांस्कृतिक संदर्भ में भी शांति की बात है, तो ये है कि वो तभी हो सकती है जब हम अपनी चीजों को वैल्यू दें, अपनी चीजों को आगे बढ़ाएं, जो हमारा फोक है, जो हमारा संस्कृत रंगमंच है, जो हमारी रंगमंची परंपरा है, उस दिशा में यदि हम कुछ काम कर पाएंगे तो हम शब्द के सही अर्थ में कलात्मक स्तर पर भी शांति स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हो पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अन्यथा यदि हम पश्चिम के मुखापेक्षी बने रहे और उन्हीं चीजों की तरफ हम आकर्षित रहे और उसी तरफ हमारा दृष्टिकोण रहा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। अन्यथा स्थिति यह है कि रंगमंच इतना बड़ा है, मैंने पहले भी कहीं बोला है कि रंगमंच इतना बड़ा माध्यम है, इसके अंदर लाइट, सेट, कॉस्ट्यूम, मेकअप, प्रॉपर्टी, एक्टिंग, डायरेक्शन वगैरह वगैरह न जाने कितनी चीजें हैं, और हर क्षेत्र में अच्छे लोगों की कमी है, कम से कम हिंदुस्तान के संदर्भ में या हिंदी बेल्ट के संदर्भ में जितना जानता हूं। तो विद्यार्थी जो मुझे सुन रहे हैं, यदि वो जुड़े हुए हैं, तो वो यदि किसी भी एक क्षेत्र में यदि आप अभिनय नहीं कर पा रहे, जैसे मैंने बहुत अभिनय किया शुरू में बीएनए के समय और उसके बाद भी, फिर मुझे लगा कि जितना पैसा अभिनय में है उतना तो अभिनय को सिखाने में भी मिल सकता है, और मैं अभिनय भी कर सकता हूँ और जीवन भी सुखी है सब कुछ, तो मेरा ही मानना है, मैं आपको आप हो सकता है ऐसा ना माने, तो आप अपनी लाइन को राइट लेफ्ट से कहीं भी बना सकते हैं अपने तरीके से, लोगों ने ऐसी राह है बनाई है और अपने अपने क्षेत्रों में बहुत काम किया है। तो लेकिन ये भी सच है कि सबसे ज्यादा लड़ाई अभिनय में है, वो थोड़ा सा कठिन माध्यम भी हो जाता है, तो हम अन्य रास्तों से भी अभिनय के अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। और शांतिपूर्वक जीवन निर्वाह करते हुए, क्योंकि हम रंगमंच में यदि प्रस्तुतियां लेके आ रहे हैं, एक तो हमारा विक्षोभ, हमारा तनाव, हमारा कष्ट, और फिर ऐसे ही नाटकों को चिन लेना और उस पर उसको उढ़ेल देना और प्रश्नों को ही केवल खड़े करते जाना, उससे कुछ हासिल तो होना नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले हम अपना प्रश्न हल करें, हम सोसाइटी के लिए समस्या न बने, और हम समस्या मूलक कोई नाटक उठाकर भी उस पर यदि समाधान के स्तर पर लेके जाए तो ये मुझे लगता है कि ये बेहतर काम होगा। और मैं जैसा मैंने कहा था, अंतिम कुछ पंक्तियों से अपनी बात को समाप्त करूंगा, और ये पंक्तियां हैं, मैंने एक कविता लिखी थी, कविता का शीर्षक है लोक, मैं एक कविता ये पंक्तियां रख रहा हूँ और उसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। पंक्तियां इस प्रकार है, तुम लोक हो, तुम लोग हो, तुम रचते हो बिना अहम के, बिना वहम के, सायास भी, अनायास भी, कदाचित भी, बारंबार भी, तुम्हारे पसीने की प्रत्येक बूंद और लहू का हर कतरा महक उठता है, जीवंतता पाता है, सार्थक सहज प्रस्तुति के रूप में। तुमने जिसे कोई नाम नहीं दिया, कोई चिन्ह भी नहीं छोड़ा अपनी रचनात्मकता का, हमने उसे नाम दिया है लोक साहित्य। हम नहीं सहेज सके तुम्हारे अतीत की भव्य विरासत, अब समेट रहे हैं छुटपुट ताकि आने वाली पीढ़ियां सूचना पा सकें तुम्हारे अस्तित्व की, रचनात्मकता की भी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन था, और आपके बहुत थोड़े ही बातों से समझ में आ गया था कि आपका जो ज्ञान है वो तो सागर के बराबर है। मतलब एक होता ना टॉपिक पे जितनी शानदार पकड़ वो कुछ देर में समझ में आ जाती है। मेरे ऐसा व्यक्ति अगर रंगमंच के बारे में बोले तो शायद कुछ सुनी सुनी बातें बोल पाएगा, लेकिन आप जिस स्तर तक पहुंच गए थे और जैसे जैसे आपका ज्ञान समझ में आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि बस मैं नोट करता जाऊं, मैं कुछ बीच में इंटरप्ट ना ही करूं तो ही बेहतर होगा, क्योंकि जब कोई बहुत शानदार स्पीच आपको सुनने को मिल रही हो तो आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो मैं बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर सुनता ही रह गया था, थोड़ा बहुत नोट करने की कोशिश की, लेकिन आपकी एक लाइन में मुझे काफी कुछ मिल गया, जिसमें आपने कहा था कि भरत मुनि को आपने कोट किया था कि जो भी कुछ है या तो वो रंगमंच, ऐसी कोई कला नहीं है, ऐसा कोई योग नहीं है जो रंगमंच में ना हो।
तो वहां से मुझे थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया था कि हाँ रंगमंच बेसिकली वो है जहाँ सब कुछ अंदर होता है, जैसे कहते हैं ना नेति नेति, हमारे शास्त्र में कहा गया है कि जो कुछ है या तो है इसमें आ चुका है, जैसे महाभारत के बारे में जो भी कुछ है या तो महाभारत में, और जो यहाँ नहीं है वो कहीं भी नहीं है, कुछ ऐसे ही मैं रंगमंच के विषय में समझ पाया। तो बहुत ही शानदार आपका वक्तव्य और बहुत ही अच्छा आपका जो ज्ञान का परिचय आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं उम्मीद करूंगा हमारे छात्र जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो बाकी हमारे साथी जुड़े हुए हैं उनको भी रंगमंच के विषय में काफी कुछ पता चला होगा। इसी विषय में, इसी कड़ी में हमारे साथ डॉक्टर सुवर्ण रावत जो भी जुड़ चुके हैं, उनको एक बार स्वागत करता हूँ। डॉक्टर सुवर्ण रावत उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, उत्तरकाशी से आते हैं, आपने नेशनल स्कूल्स ऑफ ड्रामा से परफॉर्मिंग आर्ट मास्टर्स की डिग्री ली है। मैं रोक सकता हूं जरा आपको? हाँ सर, जी सर, सेकंड सीक्वेंस में भारत जी को आपको लेना था, आपको बताया था पहले उनको। सर बहुत सीनियर है, मुझे लगा उनको सर को सबसे लास्ट में। एक्चुअली बात हो चुकी थी ना पहले ही, वो थोड़ा वो होंगे मुझे लगता है। ठीक सर, आप देख लीजिए अगर जो भी अवेलेबल है यहाँ पे। हाँ भारत सर तो है सर, भारत सर तो है, मैं सोच रहा था कि भारत सर को सबसे लास्ट में। जैसा आप कहें सर, जैसा आप कहें सर। ठीक है, जैसा डीन सर का आदेश हुआ है उससे पहले मतलब सुवर्ण जी सर। नहीं, मेरा आदेश नहीं है, मेरा आदेश नहीं है, मेरा ये कहना है कि सीक्वेंस सबको बता दिया था, अगर जी सर सुवर्ण जी तैयार है तो उनको ले लीजिए। जी सर, जी सर। तो एक बार फिर मैं पहले फिर भारत भूषण सर को ही एक बार स्वागत करना चाहता हूं और उनका परिचय देने का खाली प्रयास ही कर सकता हूं क्योंकि मैंने जितना थोड़ा बहुत सर के विषय में कुछ जानकारी मिली तो वो मेरे ज्ञान से थोड़ा सा ऊपर जा रहा था क्योंकि सर एमएससी कर चुके हैं गणित में, उसके बाद उन्होंने सर ने राजनीतिक शास्त्र में एमए किया है, फिर एलएलबी भी किया है, सर सामाजिक न्याय मंत्रालय से उपनिदेशक पद से सेवारत रह चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन सर 1990 से 1993 तक दिल्ली दूरदर्शन के विभिन्न धारावाहिकों में भी जुड़े रहे हैं, जैसे पर्यावरण मंत्रालय के लिए टेलीफिल्म काला पहाड़ में सर ने अभिनय किया है, टेलीविजन पर सब दिन एक दिन दिल्ली दूरदर्शन का उसमें भी सर ने अभिनय किया है, धारावाहिक प्रहरी जो दिल्ली दूरदर्शन की तरफ से था उसमें भी सर का अभिनय है, हजार घोड़ों का सवार दिल्ली दूरदर्शन का प्रोग्राम था उसमें सर का अभिनय देखने को हमें मिला, धारावाहिक दफ्तरनामा दिल्ली दूरदर्शन का बहुत फेमस था उसमें सर सह निर्माता भी थे और अभिनय भी किया है, दिल्ली रंगमंच पर सर ने अभिनय किया है और इसके अलावा बहुत सारे मतलब फेरिस अगेन बहुत सारी लंबी है। तो मैं आप सभी को और ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सीधा सीधा भारत भूषण सर से एक स्वागत करता हूँ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और प्लीज हमारे जितने भी हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं एक बार उनको अपना थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए सर। भारत भूषण सर, सर आप म्यूट हैं सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ सर, अब आपकी आवाज आ रही है सर। प्रणाम सर, सभी को विश्व रंगमंच दिवस पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज का जो एक मौका है विश्व रंगमंच दिवस के ऊपर बात करने का रंगमंच के बारे में, अभी मेरे पूर्व वक्ता ने बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और रंगमंच की बहुत सारी विधाओं के बारे में बात की। जैसा कि आपने मेरे परिचय से ही अंदाज लगा लिया होगा कि मैं शौकिया रंगमंच से जुड़ा रहा, क्योंकि मेरी मजबूरी थी कि मैं नौकरी में भी रहा, रंगमंच से मैं 35-40 साल से जरूर जुड़ा रहा और आर्थिक कारणों पर, आर्थिक मंचों पर थोड़ी सी हमें परेशानी कारण हमें अपनी वो भी करनी पड़ी। तो मैं अपनी बात रंगमंच के विविध प्रकारों को, जितनी भी अभी बात समेटी गई है इसमें बहुत ज्यादा बात है, इसमें कहने का बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, मैं सिर्फ आज के एक इस विषय पर कि आज रंगमंच दिवस है इस पर अपनी बात संक्षेप में कहना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि रंगमंच दिवस, जो विश्व रंगमंच दिवस की जो हमारी बात सामने आई है वो ये आई है कि ये फ्रांस में 1961 में कहीं शुरू किया कुछ लोगों ने कि एक संदेश देना है जिसमें कि विश्व रंगमंच के शांति का संदेश देना है और उसको लेकर के हुआ, और ये एक परिपाटी सी बना दी गई कि रंगमंच दिवस को हम एक औपचारिकता के रूप में मनाते जा रहे हैं। रंगमंच दिवस जैसे बहुत सारी बता रहे हैं कि औपचारिकता निभाने जैसा आयोजन होता जा रहा है। दरअसल जिस उद्देश्य को लेकर 1961 में विश्व रंगमंच को मनाने की शुरुआत की गई थी,
वे व्यवहारिकता के धरातल पर कुछ सुझावों और नसीहतों के शब्द जाल में सजोकर पेश किए जाने वाली एक विमर्श भर रह गया, ऐसा मेरा मानना है। अब आप देखिए कि जहां तक नाटक और रंगमंच इन दोनों का है, हमारा जो भारतीय रंगमंच है, जो भारत मुनि का वो है, वो इतना विस्तृत है कि उसको, जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि उसको समझने में ही 50 साल लग जाते हैं। उसके बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना भी होगा और आगे सुनेंगे भी कि नाट्य कला का विस्तार सर्वप्रथम भारत में ही हुआ था और भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नाटकों के विकास की प्रक्रिया को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया था कि उन्होंने ऋग्वेद से कथोपकथन लिया, सामवेद से गायन लिया, यजुर्वेद से अभिनय लिया और अथर्ववेद से रस लेकर के नाट्य की रचना की। तो हमारे भारतीय रंगमंच का तो एक इतना विस्तृत वो इतिहास है कि उसको समझने में और उसके व्याख्यित करने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है और लग जाएगा। लेकिन जो आज का एक विषय है, उस विषय की मैं पर आते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि जो आज रंगमंच, विश्व रंगमंच दिवस की जो लक्ष्य है, आखिर ये शुरू क्यों जो किया गया, जिन लक्ष्यों को लेके गया, मैं उस पर अपनी बात इन बातों से हट करके रखना चाहता हूं कि इस दिवस पर दुनिया भर में सभी रूपों के रंगमंच को बढ़ावा देना इस दिवस को मनाने का पहला उद्देश्य है। ये तो सही बात है, बढ़ावा देना, कहां कितना व्यवहारिक रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है और निजी स्तर पर और सरकारी स्तर पर कितना बढ़ावा दिया जा रहा है, ये सभी जो हमारे यहाँ पर मौजूद व्यक्ति हैं रंगमंच से जुड़े हुए या नाटक से जुड़े, सभी अच्छी तरह जानते भी हैं। और दूसरा इसका उद्देश्य ये भी है कि थिएटर समुदायों को, जितने भी थिएटर ग्रुप को हैं, उन्हें बड़े स्तर पर बढ़ावा दें ताकि सरकारें और वैचारिक नेता रंगमंच के सभी रूपों के महत्व को जानें। अब ये कितना व्यवहारिक है और कैसा हो रहा है, जैसे कि मेरे पूर्ववक्ता ने ये भी बात बहुत अच्छी बात कही कि ये कुछ चुनिंदा ग्रुपों के अंदर या कुछ लोगों के बीच में सिमट कर रह गया है, ये खास लोगों के पास ऐसे संसाधन है जो रंगमंच को रंगमंच की तरह जीते हैं, कर सकते हैं। सही बात है, हिंदुस्तान का 90% रंगमंच से जुड़ा हुआ व्यक्ति या कलाकार आज भी विषमताओं के बीच में रंगमंच करता है। रंगमंच करने के ना उसके पास साधन है, ना उसके पास धन है, और किसी भी प्रकार का ना उसको कहीं से किसी भी आर्थिक सहयोग की छोड़िए वैसा भी सहयोग नहीं मिलता। आप बड़े बड़े 3-4 शहरों को छोड़ दें, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई को, बाकी जितने छोटे शहर हैं, मेरठ जैसा शहर या और आसपास के शहर हैं, वहां रंगमंच से जुड़े लोग आज भी रंगमंच को रंगमंच की तरह नहीं जी पा रहे, नहीं सीख पा रहे, नहीं कर पा रहे, क्योंकि ना तो उनके पास संसाधन है और ना ही उनके पास शिक्षण या प्रशिक्षण के कुछ बहुत हैं। ये गिनी चुने संस्थान है जहां पर सिराज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा BNA यहाँ पर सीखते हैं, कितने लोग सीखते हैं, कितने लोग कैसे सिखाते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा, जो जैसे कि अभी बताया भी गया कि लोक रंगमंच भी है हमारा और ये भी है, इसमें वो लोग जुड़े हुए हैं जो इसको अपनी शौक मेहनत के साथ करना तो चाहते हैं, लेकिन वो विभिन्न अभावों के कारण उनको कर नहीं पाते। सबसे प्रमुख लक्ष्य तो यह था कि कलाकारों की भावनाओं और संदेशों को व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाया जाए, मंच प्रदान किया जाए। अब यही बात इतनी विसंगति से पूर्ण है कि ये बात सही है, जैसा कि इस विश्व रंगमंच दिवस का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि पहुंचाया जाए, पहुंचाने के लिए कितने लोगों के पास ऐसे संसाधन है, ये बात सही है कि रंगमंच एक ऐसा माध्यम है, रंगमंच ही एकमात्र ऐसा माध्यम है अभिनय और नाटक के जरिए जो अपनी बात को आम आदमी तक बहुत आसानी से और बहुत प्रभावी ढंग से पहुंचा सकता है। लेकिन उसको पहुंचाने में और उसको करने में उसको कितना सहयोग और कितना समर्थन मिलता है समाज से, वो एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। आप जैसे कि मैं एक इसी बात पर आने की बात करता हूं कि मेरठ जैसा शहर, ऐसे इस मुल्क के अंदर बहुत सारे शहर हैं, यहां पर आज 35-40 साल तो मुझे भी रंगमंच करते हुए हो गए इस मेरठ शहर में, और दिल्ली में भी मैं रहा हूं चूंकि सरकारी नौकरी के दौरान, दिल्ली की अलग कल्चर है, मेरठ की इसके पास होने के बावजूद भी कम है, यहां पर एक प्रेक्षागृह तक नहीं है। आदमी नाटक तैयार करेगा तो किसी स्कूल के मैदान में करेगा, स्कूल के किसी कमरे में करेगा, और उसको कहीं करेगा तो कहीं लेगा, किसी ऑडिटोरियम तो कोई है नहीं, कोई भवन लेगा, उस भवन के अंदर लाइट लगाएगा, दुनिया भर के काम करेगा, और जितने पैसे खर्च करेगा उसके बाद भी जो वांछित रिजल्ट, जो अच्छा एक प्रभाव प्रस्तुति होनी चाहिए थी, वो नहीं कर पाएगा, वजह यही है। तो
तो हमारा जो ये लक्ष्य है कि इसको हम प्रभावी ढंग से सरकारें और वो मिलकर करें, इसमें न्यूनता आ रही है, एक विचारणीय प्रश्न है कि इस पर सोचा जाना चाहिए। हमें सिर्फ विश्व रंगमंच दिवस को एक वैचारिक स्तर पर गोष्ठी करके मनाने से बेहतर है कि कुछ लोग, चाहे वो समाज के प्रबुद्ध लोग हों, चाहे वो समाज के सक्षम लोग हों या सरकारी पदों पर बैठे हुए लोग हों, जिस हिसाब से हमारे भारतीय रंगमंच का एक कितना बड़ा कोष है या इतनी बड़ी हमारे पास एक सुविधाएं हैं या इतना बड़ा ज्ञान है, उसको सजाने के लिए, संवारने के लिए सुविधाएं नहीं है, उसको करा जाए तो इसमें निस्संदेह ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा रंगमंच विश्व के रंगमंच से बहुत अधिक समृद्धशाली रंगमंच बन सकता है अगर ये सब चीजें, समस्याएं हमारी हो जाए तो। लेकिन होता यही है कि हम सिर्फ जो है दिवस मना लेते हैं, चाहे वो रंगमंच दिवस हो, चाहे वो कोई सा और दिवस हो, और दिवस पर कुछ भाषण दे लेते हैं, कुछ काम कर लेते हैं, लेकिन व्यावहारिक और वैचारिक दृष्टि जो हमारी परेशानियां होती हैं उसके बारे में हम सिर्फ बातें करके रह जाते हैं, व्यावहारिक रूप से कुछ होता नहीं। अब आप देखिए ना, दिल्ली जैसे शहर में प्राइवेट ऑडिटोरियम्स हैं जहां पर पैसे लगता है, सरकारी ऑडिटोरियम एक दो ही है। सरकारी ऑडिटोरियम पूरे देश के अंदर 5-7-10 होंगे, और बाकी ऑडिटोरियम या तो पैसा कमाने के लिए, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे हैं जो 35,000-35,000 रुपए लेते हैं एक दिन के करने के लिए। अब एक रंगकर्मी जो अपने लगन से या अपने पैशन से इस रंगकर्म को करना चाहता है, जीना चाहता है और अपनी बात को बताना चाहता है, उसको इस तक को पहुंचाने के लिए इतने अर्थ की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जो एक असंभव सी बात है। मेरा मानना इसमें सिर्फ इतनी है, मैं बात को अपनी बहुत संक्षेप में, अपने विषय को इतना विस्तार रंगमंच से ज्यादा नहीं, मैं व्यवहारिक दृष्टिकोण पर देते हुए कहता हूं कि ये सभी लोग जानते हैं कि रंगमंच को या नाटक को करने के लिए जिस शिद्दत और जिस पागलपन की जरूरत होती है वो कमोबेश हमारे रंगकर्मियों में होती है, लेकिन वो उनकी हिम्मत एक लेवल तक जाते जाते ऐसी हो जाती है कि हम अपने उस मंजिल तक जहां हम पहुंचना चाहते हैं पहुंच नहीं पाते। एक शेर मुझे इस मामले याद आ रहा है कि दीवारों तक तो उड़ सकते हो बगैर परों के, दीवारों तक तो उड़ सकते हो बगैर परों के, अंबर तक उड़ना है तो अपने परों से उड़ना होगा। मेरे कहने का अर्थ यही है कि हमें अपने वजूद को तोलना होगा और हमें अपने आसपास के जो हमारे जो सरकारें हैं या प्रबुद्ध लोग हैं उनको इस बारे विषय में सोचना होगा। विश्व रंगमंच की जो सार्थकता है, इसको मनाने की सार्थकता केवल और केवल तभी हो सकती है कि जब हम इसके व्यवहारिक पक्ष पर ध्यान दें, केवल ये एक आयोजन मात्र होकर के ना रह जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद। धन्यवाद सर, सर ने बहुत ही संक्षेप में ही अपना वक्तव्य रखा, लेकिन एक सारगर्भित संक्षेप जिसे रखते हैं कि रंगमंच जो है जो वास्तव में इन दिनों हो गया है, मतलब कभी जिस परंपरा से हम शुरू हुए थे और आज तक आते थे, जो मोबाइल वाली पीढ़ी आ गई, सबको अपने हाथ में मोबाइल में यूट्यूब पे हर समय एकदम वहीं का वहीं चाहिए, तो रंगमंच का जो कलाकार है, जो उसका रचयिता है या जो उसका डायरेक्टर है, उसका संघर्ष बहुत बढ़ भी जाता है, बहुत कठिन भी हो जाता है, और उसकी जो सामने की आने वाली परिस्थितियां हैं वो विकट होती जाती हैं, क्योंकि पहले अगर हमारे पास इतने समाधान, इतने साधन ना होते तो शायद हमारे को भी मनोरंजन के लिए इस तरह के थोड़े ज्यादा अवसर मिल जाते हैं। लेकिन अब हमारे पास अवसर, हमारे पास एज एन, अगर मैं ऑडियंस की तरह बात करूं तो आपके मोबाइल में लगभग सब कुछ है, तो ऐसे में एक ऑडियंस को रंगमंच के स्टेज के सामने तक खींच के लाना बहुत मुश्किल हो गया है। और जाहिर है जो एक जुनून को लेकर अपने वहां लेके चल रहे हैं, जुनून को लेकर अदाकारी के लिए, एक रंगमंच के प्रति पागलपन को लेकर जो एक कलाकार वहां पहुंचता है स्टेज पे, उसको सबसे ज्यादा भूख अगर किसी होती है तो तालियों की गड़गड़ाहट की होती है या फिर अच्छे श्रोताओं की होती है, जो सिर्फ देखने ना पहुंचे, जो उसके मर्म को समझ जाए। जैसे कहते हैं ना, अदाकारी भी जरा सी जेब में रखकर सफर करना, अभी इस जिंदगी में न जाने कितने किरदार हमें निभाने हैं। तो हालांकि हम रंगमंच की शुरुआत अगर निजी तौर पर हम देखें तो सबसे पहले स्कूल के छोटे से स्टेज होती है, और पहली, दूसरी, पांचवी, जिस भी क्लास तक हम पढ़ते हैं, आमतौर पर हम सभी ने कभी ना कभी शुरुआत में अगर रंगमंच से की थी तो वहीं से की थी। बल्कि मैं बहुत बड़े बड़े कलाकारों को भी अगर देखता हूँ तो उन सबकी शुरुआत कहीं ना कहीं टीवी के, ये अपने स्कूल के उसी पर्दे से होती है,
वहां उनको समझ में आता है कि उनके जीवन का सच्चा उद्देश्य ये है, ना कि इंजीनियर डॉक्टर या कुछ और बनना। वहां से उसके बाद उनका एनएसडी या किसी भी तरह से रंगमंच पर, फिर रंगमंच से आगे का सफर शुरू होता है। ऑन द अदर हैंड, एक जो अब हमारा नया क्रम चल पड़ा है कि जो फिल्मी कलाकार हैं, जो अच्छे पर्दे पे पहुंच चुके हैं, बाद में पता चलता है कि अगर वो बहुत शानदार है तो कहीं ना कहीं उनकी जड़ें रंगमंच से जुड़ी मिलती हैं। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, नसीरुद्दीन शाह है, अनुपम खेर, बहुत सारे कलाकार जो बड़े नाम निकलते हैं, तो उन्होंने जो पॉलिशिंग की हुई होती है वो रंगमंच से की होती है। यानी अगर फिल्मी कलाकार ही है लेकिन अगर उसकी अदाकारी में वो बात आ रही है तो जो उसकी घिसाई है, जो उसकी पॉलिशिंग है, ये जो उसका संघर्ष है, वो रंगमंच के पर्दे पे रहा होगा, लेकिन पहचान उसे फिल्मों में जाके मिली। और इसीलिए रंगमंच का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि जैसे सर ने भी कहा कि जो एक कलाकार का जुनून है, जो कलाकार का पागलपन है, उसको पहचान की जरूरत है, लेकिन उसे दर्शकों की भूख है। और छोटे शहरों में वो भूख शांत होने थोड़ी कम हो गई है। और आज के इस विश्व रंगमंच के दिवस के अवसर पर हमारा या हम सभी का जो भी हम जिस भी स्तर से कर सकते हैं प्रयास होना चाहिए कि हम इस रंगमंच की एक कलाकार, एक वो जो कलाकार हैं या फिर वो जो भी कोई संघर्ष है उसको थोड़ा बहुत अपनी तरह से तवज्जो दे सकें, हो सके तो रंगमंच देखने के लिए पहुंचिए। ऑब्वियसली क्योंकि एक अब मोबाइल के युग से आगे निकलिए, मोबाइल से आगे निकलिए, क्योंकि जैसे पहले हमारे वक्ता ने सर ने कहा था कि ऑफलाइन होता है ये रंगमंच का कला जो कदम होता है, कभी भी ऑनलाइन नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको फीडबैक नहीं मिल पा रहा तो आप नहीं समझ पाएंगे कि वो संघर्ष कहाँ तक था। ऑनलाइन देखने के बाद आप जो फीडबैक दे रहे हैं वो रियल नहीं होता है। इसी क्रम में अब मैं अगले जो हमारे हमारे अगले कलाकार हैं, डॉक्टर सुवर्ण रावत, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आते हैं, उनको मैं आवाज दूंगा। सर एक बार आए, सर का एक लाइन में परिचय बताना चाहूंगा। डॉक्टर सुवर्ण रावत उत्तराखंड के उत्तरकाशी, उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से परफॉर्मिंग आर्ट में मास्टर्स की डिग्री ली है। यहाँ के बाद आपने एनएसडी के फाउंडर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स किया है। डॉक्टर सुवर्ण रावत थिएटर में पीएचडी भी कर चुके हैं और कला दर्पण थिएटर ग्रुप का पर्याय रह चुके डॉक्टर सुवर्ण रावत फिल्म और टेलीविजन में भी खासा दखल रखते हैं। तो डॉक्टर सुवर्ण रावत, आपका स्वागत है हमारे इस मंच पर। थैंक यू विभोर, धन्यवाद सर। मैं सभी जितने भी ऑनलाइन से जुड़े हुए साथी हैं, विश्व रंगमंच की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और अपनी बात को विभोर के उस वक्तव्य से शुरू करता हूं जहां उन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटी के नाम कोट किए कि रंगमंच एक पहला पायदान था और उसके बाद उन्होंने एक मुकाम हासिल किया। मेरा तो मानना यह है कि रंगमंच एक सशक्त माध्यम है अभिव्यक्ति का, एक पावरफुल मीडिया है एक्सप्रेशन का, और ये कोई जरूरी नहीं है कि हम इसके जरिए एक आउटस्टैंडिंग ओरेटर बने या एक वर्सेटाइल एक्टर बने या एक एमिनेंट डांसर बने। मुझे लगता है रंगमंच कहीं ना कहीं हमारी उस सेंसिबिलिटी को भी बिल्डअप करता है, हमारे उस संवेदनाओं को भी कहीं ना कहीं सेंसिटाइज करता है, जो हमें ये एहसास दिलाता है कि हाउ वी कैन बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, अ गुड सिटीजन। एक इंसानियत का जज्बा हमारे अंदर, वो संवेदनाएं वो खूब भरता है। और क्योंकि ज्यादा करके आज जो ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स हैं, तो मैं अपना रंगमंच वाला जो भी साझा करूंगा वो काफी रेलेवेंट और दे कुड आइडेंटिफाई कि यस, क्योंकि जो भी आप अपने आसपास जिस तरह से भी जो भी लिमिटेशंस हैं आपके आप करते रहे हैं, वो कोई जरूरी नहीं है कि एक प्रोसेनियम का स्पेस आपके पास हो, वो खेत खलियान चौराहा जो किसी जमाने में इप्टा ने भी शुरू किया था, और वो स्ट्रीट प्ले वाला, वो नुक्कड़ नाटक वाला, वो भी एक जरिया हो सकता है। हेलो हेलो, जी हाँ सर, आपको सुन पा रहे हैं सर। जो मैं महसूस करता हूँ जिसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है, जिसमें एक गिव एंड टेक होता है, जो एक इंटरैक्टिव और पार्टिसिपेटरी होता है, जिसमें आप न्यू स्पेक्टेटर। हेलो जी सर, जी सर, शायद हाँ, कोई गलती से हो गया था, मैंने म्यूट करा सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस सर। सो जिसमें दोनों तरफ की भागीदारी हो,
और वो एक तरह का थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस होता है, और मैं ज्यादा करके उस प्रक्रिया में विश्वास रखता हूँ। और यहाँ आई वुड लाइक टू शेयर वन ऑफ माय एक्सपीरियंसेस कि जैसे हम यूजुअली जनरेशन गैप के इश्यूज पे या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे, ऐसे ही चॉइस ऑफ फूड पे एक सीक्वेंस था किसी नाटक का, जिसमें वो नव नवेली दुल्हन आती है घर में और घर में नॉन वेज पक रहा है और शी इज फीलिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग, जी मितला रहा है, उकाई आ रही है, वो धुआं और वो जो तड़का, अब वो समझ में नहीं आता है कि वो जो ब्राइड है, जो दुल्हन है, जो अभी मुश्किल से चंद रोज यहाँ घर में आए हुए हुए हैं। और उसके बाद जहां वो जिस मायके से आए है वहां लहसुन प्याज तक नहीं खाती है, प्योर वेज है। अब यहाँ पे एक ऐसा मोमेंट आता है कि आप क्या कर रहे हो, या तो वो अपने जो उसके जीवन साथी हैं उनसे गुहार लगाए कि यस व्हाई डोंट वी शिफ्ट इन अदर प्लेस, क्योंकि इस घर परिवार में अगर रहेंगे तो सबके साथ ज्वाइंट फैमिली में बहुत मुश्किलात हो जाए, या फिर यहां अगर रहना तो उसकी अपनी जो हालत हो रही है वो बद से बदतर होती चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, हम थोड़ी देर के लिए फ्रोजन कर देंगे सारा, और वो स्टिल इमेज के बाद देन वी कैन आस्क द स्पेक्टेटर्स, जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, कि ओके व्हाट यू वुड लाइक टू डू। यूजुअली जोगस्तो बॉल का जो फॉरम थिएटर है वो टेक्निक, तो वहां पे लोग दे विल ट्राई टू रेज, बेसिकली इंक्वायरी बेस्ड है पूरा का पूरा, और वो उनको ये एहसास भी हो कि हु आई एम, मैं कौन हूँ, मैं किस तरह से अपनी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाऊं। तो इफ दे वुड लाइक टू से नो, फर्स्ट टू सी कि ये क्या कर रहे हैं जो यहाँ पे हैं, कि ही इज ट्राइंग टू पैक अप हिज होल लगेज, अपना एटीची, अपना बेड वगैरह, और एकदम से उसके जो पेरेंट्स हैं, जो उसका जीवन साथी है जिसके साथ उसकी मतलब शादी हुई है, वहां पे उसको रोक दिया कि ही शुड गो आउट ऑफ द होम या ही शुड स्टे बैक, क्या उसको अपने पेरेंट के साथ यही रहना चाहिए या अपनी वाइफ को लेकर बाहर चलना चाहिए, हाउ यू लाइक टू रिस्पॉन्ड, आप क्या कहना चाहेंगे। तो अब जो भी है आप बोलेंगे नहीं, आप यहां आकर के इस सीक्वेंस को अपनी तरह से प्ले करेंगे, तो सब वो रोल प्ले होता है। कई लोगों का ये मानना है कि नो भाई, उसका है ही कौन है, ये तो एक अजनबीपन उसको यहाँ लग रहा है, उसके जो अपने मायके में जो उसके मम्मी है, पापा है, भाई बहन है, कोई नहीं है, तो यहाँ उसके तमाम चीजों का ख्याल उसके हस्बैंड को ही रखना चाहिए, तो उसको जाना चाहिए। फिर दूसरी तरफ जो दूसरे लोग उस पूरे सीक्वेंस को इनैक्ट करते हैं कि नो, अरे ये बर्थ दिया है, परवरिश की है, इतना बड़ा किया है, अब ये थोड़ी कि शादी के बाद ये अपना घर बसा ले, तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है पेरेंट्स और जो भाई बहन है। तो इस तरह की जो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एक इंटरैक्टिव और पार्टिसिपेटरी की तरह, और उस पार्टिसिपेशन में दर्शकों के बराबर भागीदारी होती है, और जो एक्टर जो परफॉर्म कर रहे होते हैं वो म्यूट होकर देखते रहते हैं। जैसे हमारे NSG का ही एक ब्रांच है TI Wing अगरतला में, जहां पे अभी मुश्किल से अगर मैं पीछे मुड़कर अगर देखूं 2012 में, इफ यू रिमेम्बर 2012 में आप कहां कौन से स्कूल में होंगे, उस टाइम जो स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं, एक निर्भया केस हुआ था दिल्ली में। तो जब मुझे ये कहा गया था कि यू हैव टू डू अ प्ले विद दीज यू नो, जो वहां पे TI Wing अगरतला के जो आर्टिस्ट थे, त्रिपुरा में आता है, तो मैंने कहा नहीं, इट्स वेरी रेलेवेंट, क्यों ना इस इशू पे किया जाए। तो उसमें जो तमाम जो चीजें थी कि कैसे सपोज द फर्स्ट सीन हमने जो शुरू किया कि एक हॉस्पिटल है, वहां पे नर्स इज होल्डिंग ए बेबी और बाहर आकर बोलती है कि कॉन्ग्रेट्स फॉर द न्यूली बॉर्न बेबी, और वो यू पकड़ करके जो है ना सर पकड़ता है, क्यों, क्योंकि उसको उससे पहले थ्रू रिलायबल सोर्सेस पता चला है कि ये फीमेल है, तो फिर वाई क्यों। अब यहाँ पे यह कि इसका थॉट ट्रैक क्या चल रहा है, इसने ऐसा क्यों रिएक्ट किया है, तो लोगों से हम पूछते हैं कि नहीं ये नहीं, क्यों भाई,
उसमें क्यों हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि लड़का हुआ लड़की हुई कि नहीं, लड़का जो है वो कुल का अधीप होता वगैरह वगैरह जो भी इस तरह की चीजें हैं। एंड देन द नेक्स्ट सीक्वेंस जो कभी ये हुआ था कि नो सर्टेन चीजें ही गर्ल्स को अलाउ हैं और सर्टेन चीजें जो है और बॉयज को अलाउ है, या एक टाइम में, अब तो समय बहुत बदल गया, खा पंचायत का यूजुअली जो हरियाणा की तरफ होता था कि नो जीन्स नो टीवी और आपका ड्रेस कोड भी पर्टिकुलर वही होना चाहिए जो हमारे सोसाइटी में सो कॉल्ड जो नॉर्म्स हैं जिसको लेके एक्सेप्टेंस है, ये तमाम वो जो चीजें हैं। तो ये सारी चीजों को लेकर फिर कहीं ना कहीं एक इस तरह का भी सीक्वेंस था जहां पे वो तेजाब डालता है तो उसको ये पूछा जाता है। एक और टेक्निक हमने इस्तेमाल की थी हॉट सीट की, कि कैरेक्टर दर्शकों के सामने आता है और वो बैठ करके सवालों का सामना करता है, जो सवाल दर्शकों से आते हैं कि ओके आपने ऐसा क्यों किया। सो द पर्सन द एक्टर हु हैज डिपिक्टेड दैट कैरेक्टर उसको ट्रूथफुली और ऑनेस्टली वो जो विलेनिटी वाली जो उसकी ट्रेड्स है उसमें रह करके रिस्पॉन्ड करना होता है कि नो आई लव हर डीप डाउन फ्रॉम माई हार्ट। अरे तो ये प्यार की अभिव्यक्ति का कौन सा तरीका है, आपने तेजाब डाल दिया कि नहीं मैं चाहता हूँ कि नहीं आई एम वेरी पॉजिटिव, मैं नहीं चाहता कि वो किसी और के साथ हंसे जाए घूमे वॉट एवर। एंड देन आफ्टर दिस सीन व्हेन दिस एक्टर केम इन द ग्रीन रूम ही वाज लिटरली क्राइंग, और ये मैं ऐसा नहीं हूँ ये नहीं हूँ और लोग मुझे इतना गंदा समझ रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या है कि आप कैसे जो भी आप एज अ पर्सन देन यू एज एन एक्टर देन द कैरेक्टर व्हिच यू हैव पुट ऑन, हाउ डू यू डिस्क्रिमिनेट ऑल दीज थिंग्स। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा जो आज का जो टॉपिक है थिएटर अ कल्चर ऑफ पीस, तो हम जो कल्चर जो हम संस्कृति की बात कर रहे हैं वो कहाँ रिफ्लेक्ट होता है, हमारा हमारे संस्कार ऐसे क्यों है, चाहे वो दिल्ली का वो निर्भया वाला जो केस है क्यों ऐसा, स्पेशली सबसे ज्यादा जो क्रुएल्टी और ब्रुटिलिटी जो देखी गई है वो उस लड़के में देखी गई है जो बाकी लोगों से यू नो कहीं ना कहीं वो एक जुविनाइल वाला एज में था। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चर हमारी संस्कृति उसकी भी देन है। तो वो जो संस्कार है अगर शायद उसका जिस तरह से वो ब्रॉटअप हुआ जो उसके इर्द गिर्द का जो एक माहौल रहा है वो भी उतना ही उसके लिए जिम्मेदार है। जैसे अभी रिसेंटली आजकल क्या हो रहा है कि 75 साल के उपलक्ष में अनसंग हीरोज पे बहुत सारे प्लेज हो रहे हैं। तो अभी NSD जो नेशनल स्कूल ड्रामा है उसमें जो रेपर्टरी है थिएटर इन एजुकेशन कंपनी, तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी और उसके शोज अभी रिसेंटली ये फरवरी के 14 और 15 को अभिमंश ऑडिटोरियम हमने दिल्ली में किए, रिपीट शो 9 मार्च को चंडीगढ़ में हुआ, नाउ दे आर ऑल्सो प्लानिंग इन अदर स्टेट्स, तो बराबर चलता रहेगा पूरे साल में कि ऐसे ऐसे हमारे हीरोइक कैरेक्टरिस्टिक जो गुमनामी में खो गए। तो नाम ही उस प्रोडक्शन का था गुमनाम सितारे। तो हमने अपने उन कलाकारों के साथ बहुत रिसर्च काम किया, मतलब 50 हमने एक्सप्लोर किए ऐसे जो गुमनामी में है जिनको लोग कम जानते हैं। और फिर क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन का एक ड्यूरेशन था वो हम ये चाहते थे कि 1.5 या 2 घंटे से ज्यादा ना हो, तो हमें थोड़ा सा ट्रेनिंग करना पड़ा जो भी उनका अपना सेल्फ को लेकर के जिस तरह से ग्रूम किया उसको, जिस तरह से स्क्रिप्ट को कंपाइल किया। तो वी ट्राई टू कंपाइल द होल इंडिया नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, तो उसमें कोशिश की हमने कल्चर को इस तरह से कि हर स्टेट के उस संस्कृति को समझने की। सपोज अगर हमने उनमें से जेंडर बैलेंस करते हुए 3 male और 3 female लिए एंड उसमें हमने कोशिश की है कि इट शुड नॉट बी इन हिंदी और इंग्लिश, ये मल्टीलिंगुअल हो ताकि उस मल्टीलिंगुअल के नजरिए से वहां का कल्चर रिफ्लेक्ट। जैसे हमारी कहानी शुरू होती है उड़ीसा से, तो जो घर के जो सिक्वेंसेस थे उस कल्चर को कि कितना पीस है कितना सुकून है कितना शांति है, तो वो घर के जो सिक्वेंस थे वो फ्लेवर को लेकर के थे। बाजी रावत अगर आप गूगल में जाओगे 12 साल का बच्चा था वो किस तरह से उसने अपने उस पेट्रियोटिज्म उस नेशनलिज्म को प्रिजर्व करते हुए अपना सेक्रीफाइस दिया था।
और वहां से फिर हम आते हैं गुजरात की तरफ, तो पूरा गुजराती में था वो पूरा, उसका वो कल्चर का जो रिफ्लेक्शन है उषा मेहता, और फिर हम बंगाल की तरफ जाते हैं खुदीराम बोस। आई थिंक खुदीराम के बारे में तो नॉर्थ साइड वाले काफी कुछ जानते होंगे, तो उसको हमने पूरा कि किस तरह से वहाँ रिचुअल्स थे, किस तरह से नाम वो खुद ही पड़ा, उसके पीछे भी एक उनकी अपनी एक ट्रेडिशनल रिचुअल है कि टूटे हुए चावल को लेकर के, बहुत लंबी कहानी है। एंड देन आफ्टर दैट हम थोड़ा सा उस तरफ गए जहाँ पे अशफाक है, इधर नॉर्थ की तरफ, वहां पे जो उर्दू का एक लहजा है, उसका जो अपना शेर शायरी का है, और जिस तरह से उसका जो बचपन रहा है वो सारा रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है। और उसके बाद आपका साउथ में वो पूरा का पूरा जो तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज में और बेलू नाच किया, उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, उस कल्चर को जानने की कोशिश की, और वो तमिल लैंग्वेज को उसमें अपना एक फ्लेवर डालने की कोशिश की। और फिर कनकलता, कनकलता शी बिलोंग्स फ्रॉम आसाम, असमीज का वो फ्लेवर भी डाला, वहाँ के कल्चर का, कैसे वो उस फ्लैग को फहराने में जो है कहीं ना कहीं अपना बलिदान देती है। तो बात जो हम कर रहे हैं कि हम तभी समझ पाएंगे अगर हम वहाँ का खान पान, रहन सहन और वहाँ की जो भाषा है उसका जो एसेंस है, अगर हम उसमें रस बस जाएंगे तो अपने आप वो कल्चर भी रिफ्लेक्ट होगा। और यूजुअली थिएटर क्या है, कहीं ना कहीं एक थेरेपी का काम करता है, कहीं ना कहीं एक क्लिनिकल अप्रोच का भी काम करता है। ऐसे लोग जो कभी कभार ट्रॉमा में चले जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिप्रेशन में होते हैं, तो हाउ थिएटर इज यूज टू ओवरकम दैट, तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका प्लस पॉइंट है। और इसमें हम जितना अपने आप को जानते हैं कि मैं क्या हूँ और मेरा आउटर सेल्फ क्या है, मेरा इनर सेल्फ क्या है, मैं किस तरह से द बेस्ट अपना कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान, हम हमेशा कभी कभी हमें ये करते हैं कि नहीं भाई, हाउ टू कम्युनिकेट विदाउट यूजिंग इवन अ सिंगल वर्ड। एक एक ऐसा शख्सियत भी परफॉर्मिंग आर्ट में रहा स्पेशली, जिसने एक शब्द नहीं बोला लेकिन दुनिया नतमस्तक हुई है, और उसका जो अपना एक अंदाज था, चलने का अंदाज, उसका पहनने का अंदाज, उसका हर एक अदा जो थी कि वो उसकी एक आइडेंटिटी, एक पहचान बन गई थी। कोई बता सकता कौन था, तमाम सिनेमा में तमाम फिल्में बनी है उसकी, वर्ल्ड फेम का रहा है वो एक्टर, लेकिन एक शब्द भी फिल्म में नहीं बोला गया। एनीबॉडी? सर चार्ली चैप्लिन सर। यस यस, योर गुड नेम प्लीज। सर विभूर, विभूर गौड़ सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर। तो क्या है कि ये ब्ला 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 बोलने से नहीं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये कैसे आप लुक के जरिए, कैसे आप उन न्यूएंसेस को पकड़ सकते हैं, कैसे आप वो तमाम जो डिटेलिंग है, जो सटलिटीज है, हाउ कैन यू कम्युनिकेट दैट एक एक लुक के भी जरिए, कि अगर आप मेरे सामने हैं और आप मेरे को अगर कह रहे हैं कि कम, सो थ्रू योर आईज हाउ कैन यू यू नो कॉल मी एंड देन यू कैन स्टॉप मी, देन यू कैन सेंड मी बैक। तीन जो जेस्चर्स हैं, कभी अगर हम ऑफ लाइन में अगर होंगे तो आई थिंक वी कैन डू इट वेरी वेल। और अभी बीच में जिक्र आया था ऑफलाइन ऑनलाइन का, तो हम नहीं नकार सकते दोस्तों कि कोई भी चीज एकदम सही है या एकदम गलत है। I think it depends on the, you know, each individual, how we are going to, you know, adopt that, how we are going to use that pedagogy, technique ke taur par ya methodology ke taur par, kyunki aapke paas ek kahin na kahin ek kit hai aur jo ek acting ke tools uske andar hai, aur usko aap kaise polish kar sakte hain, kaise refine kar sakte hain, kaise usme finishing touch la sakte hain, that's up to you. आप अपने वॉइस के जरिए यूजिंग द डिफरेंट रिजोनेटर्स, कैसा प्रोजेक्शन होगा, कैसी क्लैरिटी होगी, कैसे पिच बदलेगा, कैसा स्केल बदलेगा, इसके अलावा बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कैसे होगी, अनलेस यू विल नॉट डू अ सर्टेन मूवमेंट, माइंड क्रिएटिव डांस, तो वो फिजिकल वाला भी बहुत जरूरी है। इन गिवन स्पेस, इन गिवन टाइम, हाउ कैन यू डू दैट इन अ डेली रूटीन ऑफ योर लाइफ। तो बेसिकली ये एक प्रिपरेशन ऑफ अ लाइफ है, इट्स नॉट दैट वेन यू आर एंटरिंग ऑन ए स्टेज तब वो थिएटर शुरू हुआ, तब वो ड्रामा शुरू हुआ, तब वो अभिनय शुरू हुआ, नो नॉट एट ऑल।
from morning, from early morning to late night, you are acting. आप अपने friends के साथ जब मिलते हैं तो एक अलग अंदाज होता है. आप हमारे जैसे यहाँ पे अभी विभोर जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं पूरे उसको, उनके साथ स्टूडेंट्स का अलग रहेगा. हमारे जो एचओडी हैं शर्मा जी, उनके साथ आपका अलग एक रेपो होगा. हमारे जो डीन साहब हैं सुभाष जी, उनके साथ आपका अलग होगा. और जब वाइस चांसलर के पास जाओगे तो डिफरेंट अलग होगा. तो हम मॉर्निंग से लेकर देर रात तक अभिनय तो करते रहते हैं, तो ये पार्ट है. तो आप कैसे उसको तमाम टेक्निक के जरिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एक एज अ फैसिलिटेटर टू मोटिवेट टू बी अ कैटलिस्ट, ताकि वो दूसरे के लिए एक ऐसा साधन बने कि उसको लगे कि आई एम इन अ कंफर्ट जोन, आई कैन डू इट. वो तभी हो सकता है व्हेन यू डू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल. अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा है, यू कैन डू मिरेकल ओवरनाइट. लेकिन जब वो पैशन ही नहीं है, then I think we are helpless, nobody can do. सबसे अंदर वो फायर आपके अंदर होना चाहिए. तो इन शब्दों के साथ मुझे लगता है कि अगर हम इसको इंटरैक्टिव पार्टिसिपेटरी बनाएं तो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा. इफ यू डू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रेज, और बाकी जो भी आपका प्रोटोकॉल है वी वुड लाइक टू फॉलो. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. यस, वी आर गोइंग टू मेक इट इंट्रो, मतलब इसमें हम सवाल जवाब का सेशन भी रखेंगे हम सभी से. लेकिन पहले हमारे बीच में जो हमारे मुख्य वक्ता हैं, आप सभी आ जाएं. एक हमारे बीच में एक और बहुत ही शानदार व्यक्तित्व हमारे पास हैं. ये लेखक हैं, पत्रकार हैं, कवि हैं, रंगकर्मी हैं और बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं. मैं स्वागत करना चाहूंगा योगेश समदर्शी जी का. सर शायद हमारे साथ बने हुए हैं. योगेश सर, आप हमारे साथ बने हैं? योगेश समदर्शी जी. जी जी प्रणाम सर, स्वागत करता हूँ आपका. यदि हो सके तो हमारे को आपका थोड़ा मार्गदर्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी. प्लीज एक बार कैमरा ऑन करके सर आइए. प्रणाम सर, कैसे हैं सर? आपकी कविताएं सुन के हम बहुत धन्य हो गए थे उस दिन. एक बार फिर से आपसे मुखातिब हो रहे हैं सर. जी बहुत अच्छा लग रहा है. सर विश्व रंगमंच दिवस की आप सभी को शुभकामना, और हम चाहते हैं कि इस विषय पे आप तो इन सभी विधाओं से जुड़े हुए हैं. एक प्रतिभा तो हम देख चुके हैं, आज दूसरी प्रतिभा. सर प्लीज थोड़ा सा अपना समय दीजिए हमारे लिए विश्व रंगमंच दिवस के लिए. सर जी, मैं विश्व रंगमंच दिवस की सबसे पहले तो सभी को जो भी इस रंगमंच से जुड़े हुए हैं या इसके प्रति एक संवेदना रखते हैं उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं. साथ ही कुछ चीजें हैं कि रंगमंच जो है वो अभी बहुत शास्त्रगत सी बात हो गई है. मतलब ऐसा हो गया है कि कुछ एक लोग हैं जो रंगमंच करते हैं, बस उन्हीं का काम है, उन्हीं करना है. लेकिन एक जमाना ऐसा था कि जब रंगमंच हर गांव गांव में पलता था, गांव में जो रामलीलाएं होती थी वहां जो लोग उसको करते थे रामलीला को, वो सब रंगमंच वाले ही थे. लेकिन जब से सरकारें किसी भी कला में आती हैं तो सरकार के आने से एक तरफ लाभ होता है और दूसरी तरफ कई सारी हानियां हो जाती हैं. हानि इसलिए हो जाती है कि सरकार के पास तो सब कुछ देने के लिए सीमित है. तो कुछ लोगों को तो आज जैसे सुबह भी मैंने एक ऐसी परिचर्चा में हम शामिल हुए, वहां बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर भी बातें शुरू हुई. लेकिन प्रश्न यही है कि जब सरकार कितने सारे लोगों का पेट सरकार के द्वारा रंगकर्मियों का पेट पाला जा रहा है, वहां पर बड़ी मोटी मोटी तनख्वाहें दी जा रही हैं, और दूसरी तरफ जो अपना अपने पास से लगा के अपना समय भी दे रहे हैं, अपने पास से पैसे भी लगा रहे हैं, अपना श्रम भी लगा रहे हैं, और उनको ना मान है ना सम्मान है उनका. लेकिन जो असली कलाकार है वो वहां है, जो आज भी खप रहा है, लगा रहा है, अपने घर से लगा रहा है. मेरे गुरु जी थे ललित मोहन थपलियाल जी, जो अपने ही घर पे उन्होंने ऑडिटोरियम बना रखा था और वो रंग कर्म की सेवा करते करते ही गए. इतने निष्ठावान. अभी भारत जी इससे पहले बोल रहे थे, पूरा मतलब भारत जी इतने समर्पित हैं, अपना पूरा घर इन्होंने रंग कर्म के लिए समर्पित कर रखा है. और रंग कर्म के नाम पे सरकारी भत्ते खाने वाले लोग, रंग कर्म पे सरकारी तनख्वाहें पाने वाले लोग क्या कर रहे हैं धरातल पर, वो नीचे आकर क्या काम कर रहे हैं रंग कर्म के लिए. स्कूलों कॉलेजेस में
रंग कर्म पे बात होनी चाहिए, एक एक टोली बननी चाहिए, एक एक विभाग बनना चाहिए कि जहां पर रंग कर्म पे बात हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने फिल्मों को आकर्षण दे दिया, हमने उस अभिनय को जो धरातल पर अभिनय होता है, जहां कि वो कलाकार केवल एक्टिंग नहीं करता है, वो पात्र को जीता है, वो एक अलग तरह की अभिनय सामने वाले के एकदम हृदय में उतरने वाली जो कला है, उसकी जो साधनाएं हैं, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग कलाओं की साधनाएं होती थी, हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत की साधना होती थी, घराने होते थे और उनके सानिध्य में रह के लोग जो है उसको साधना करते थे उस कला विशेष की। तो इसी तरह रंग कर्म भी उस तरह की साधना की रिक्वायर है, साधना की जरूरत है इस रंग कर्म को, जिसके लिए स्थानीय जो रंग कर्म में जुटे हुए लोग हैं उनको कुछ ना कुछ सहायता मिलनी चाहिए, उनको कुछ अवसर मिलने चाहिए। यहाँ जैसे अभी भारत जी ने बताया कि मेरठ जैसा शहर में, इतना बड़ा मेरठ शहर है, सारी चीजें हैं, लेकिन एक कोई रंग कर्म के लिए निश्चित स्थान ही नहीं है। है भी तो बड़े बड़े ऑडिटोरियम है, जो ग्रुप्स अपनी स्वप्रेरणा से काम कर रहे हैं उनको एक, अगर आज की डेट में वो पहले तो कलाकार ढूंढते हैं, फिर वो तैयारी करते हैं, फिर तैयारी करने के बाद जब उन्हें प्ले करना होता है तो वो जो ऑडिटोरियम होते हैं उनके ढेर सारे, उनके किराए होते हैं 10-10, 15-15 हजार में ऑडिटोरियम मिलते हैं, फिर टिकट लेकर रंग कर्म को देखने वाले लोगों की आज एकदम मतलब अभाव है, नितांत अभाव है कि कहीं भी टिकट लेकर टिकट खरीदने को कोई तैयार नहीं। इवन की परिवार के लोग भी, जो एक परिवार का एक सदस्य नाटक कर रहा होगा तो बाकी सब लोग उसकी तरफ ऐसी दृष्टि से देखते हैं, पागल हो गया, पता नहीं क्या करता रहता है। मतलब रंग कर्म का आकर्षण खत्म हो गया। वही रंग कर्म जो कि फिल्मों का आधार है, फिल्म में बंदा चला जाता है तो हीरो हो जाता है, और रंग कर्म में वो इतना सब कुछ तपता है तो वहां कुछ भी नहीं होता, वहां फटेहाल होता है। तो ये जो गैप है, ये जो कला का दोहरीकरण है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और यदि हम हर वर्ष ये रंग कर्म का दिवस ही मनाना है तो क्यों ना कुछ संस्थाएं मिलके इस रंग कर्म के दिवस पर जो स्थानीय रंग कर्मी है, जो इस रंग कर्म में लगे हुए हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए कुछ कार्य किया जाए। मेरा इतना ही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया और एक शानदार कार्यक्रम आपने आयोजित किया। मैं तो शुरू से सुन रहा हूँ और बस सुनना चाहता हूँ सबको। धन्यवाद। धन्यवाद सर। पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग जो हमारा IMT विश्वविद्यालय है, वो धीरे धीरे इस तरह के इनिशिएटिव लगातार रहता है, शुरू से लेता रहा है, अब भी ले रहा है और आगे भी लेता ही रहेगा, ऐसे में उम्मीद करता हूँ। और आज का जो दिन था विश्व रंगमंच दिवस, उसको भी इस तरह का इनिशिएटिव छोड़ने वाला तो नहीं था। और अब हमारे साथ एक बीच में रुद्रदीप चक्रवर्ती सर जुड़ चुके हैं। आप जो है, नमस्कार सर। रुद्रदीप सर जो है ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि रंगमंच के पार्ट को प्ले करते करते इस समय USA तक पहुंच चुके हैं। आई विल लाइक टू डिस्क्राइब सर। रुद्रदीप चक्रवर्ती इज पास आउट ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ऑफ इंडिया विद स्पेशलाइजेशन ऑफ डिजाइनिंग एंड डायरेक्शन। ही इज ऑल्सो स्टडीड इन थिएटर डिपार्टमेंट ऑफ रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। आफ्टर एक्सटेंसिव ट्रेवल इन एशिया एंड इन कंट्रीज ऑफ यूरोप इन सर्च ऑफ थिएटर, ही फाउंड हिज ओन सेल्फ funded an independent theater assembly in San Francisco Bay Area in California called Theater Movement International. Now I will request Rudradeep Chakravarti sir, please give us some direction or some guidance to our students and to all of us, sir. Rudradeep Chakravarti sir, very welcome sir. Thank you very much. Thank you. Namaskar. Sunai de raha hai na? Yes sir, you are very much audible sir. शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों के सामने मैं शुक्रगुजार हूं और विश्व रंगमंच दिवस मुबारक सब सभी को हार्दिक बधाई मेरे तरफ से। ये एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर हम लोग अभी है, क्योंकि आप जानते हैं ये जो ये जो वर्ल्ड वॉर जो एक तरीके से शुरू हो चुका है, मैं इसको वर्ल्ड वॉर ही कहूंगा एक तरीके से, जो जो पॉलिटिक्स अभी जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं दुनिया में,
तो उसी हिसाब से मैं कहूंगा कि जो थीम आप लोगों ने चुना है द कल्चर ऑफ पीस विद द मीडियम ऑफ थिएटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड मैं ये भी कहूंगा कि थिएटर के पास हमारे जो थिएटर हम लोग जो चर्चा करते हैं थिएटर के विषय पर वो उसके ये एक वेपन है जैसे हम कहते थे कि रेवोल्यूशनरी थिएटर विल चेंज द वर्ल्ड जो महान थिएटर लीजेंड बर्टोल्ड ब्रेक्ट ने जो ड्रीम देखे थे जर्मनी में वो हिटलर के टाइम में वो थिएटर करते थे हिटलर के अगेंस्ट में वो थिएटर करते थे फैसिज्म के अगेंस्ट में वो थिएटर करते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम तो मुझे लगता है अब हमारे जो जेनरेशन है हम लोग एक किनारे पे आ चुके हैं जहां पर एक थर्ड वर्ल्ड वॉर पोस्ट कोल्ड वॉर के पीरियड शुरू हो रहा है जहां पर एक न्यूक्लियर वॉर के एक डेंजर सामने है वहां पर क्या थिएटर will be a form of protest with direct action with our revolutionary ideas ki wo sab ko disturb kare yeah the culture of peace and compassion and forgiveness in the post pandemic time will spread so this is the debate This is a big question for us in this time. लेकिन हम जानते हैं क्योंकि मैं जहां पर रहता हूं मैं बिल्कुल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के ऑपोजिट साइड में मैं अभी जिस रूम से मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर इंटरनेशनल स्टडीज पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के डिपार्टमेंट है एक यूनाइटेड नेशंस के एजेंसी एंड ऑफिस भी यहाँ पर है यूनिसेफ से जो लोग थिएटर ऑफ पीस के कई सारे प्रोजेक्ट करते रहते हैं इज एवरीथिंग फाइन हेलो यस सर यू आर ऑडिबल सर एवरीथिंग इज फाइन सर ओके थैंक यू वेरी मच थैंक यू बिकॉज़ आई कुड नॉट से बट थैंक यू नो तो उसी हिसाब से मैं जब इन लोगों से मिला बहुत सारे थिएटर प्रैक्टिशनर्स को मैं मिला ओवरसीज में इन लोग अफ्रीका में बहुत ही डेंजरस सारे सिचुएशन में जैसे सियेरा लियोन जैसे कंट्री में जहां पर 1991 से लेकर 2001 तक देयर वाज सिविल वॉर इन दैट सिविल वॉर बहुत सारे यंग जनरेशन हमारे जैसे लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं घर से जो ट्रॉमा है वॉर की जो ट्रॉमा जो जो जिस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट्स ये वॉर क्रिएट किया डिस्प्लेसमेंट फाइनेंशियल प्रॉब्लम वहां पर कल्चर ऑफ पीस लेके जो प्रोजेक्ट्स इन लोगों ने किया थिएटर को लेकर तो ये जो अफ्रीकन यंग जनरेशन के बहुत सारे लोग है यंग एडल्ट्स है टीनेजर्स है थिएटर चेंज किया ये जो थिएटर के अंदर ये जो शक्ति है जो पावर है थिएटर एज ए मीडियम चेंज द लाइफ ऑफ मेनी इन अफ्रीका विद दिस कल्चर ऑफ पीस मिशन तो इसलिए ये जो टॉपिक आप लोगों ने चुना ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं अपने आप को भी स्टूडेंट्स ऑफ थिएटर मानता हूँ जितना भी आप लोगों ने कहा ये एक ऑनगोइंग जर्नी है इट्स अ थिएटर जर्नी आर्टिस्टिक जर्नी मैं अपना बचपन में उड़ीसा में मैंने शुरू किया था मेरे फादर साउथ इंडिया से हैं और मेरे जो मम्मी है वो एक्चुअली बंगाल से हैं बट आई लिव मोस्ट ऑफ माय टाइम इन माय चाइल्डहुड इन ईस्टर्न इंडिया इन उड़ीसा समटाइम्स लिटिल बिट इन यू नो आंध्र प्रदेश बाद में कुछ समय मैं झारखंड में भी बिताया उस वक्त लाइक रांची वाज एक्चुअली पार्ट ऑफ बिहार बट देन वहीं से थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज के ऊपर हिंदी थिएटर के ऊपर एक इंटरेस्ट हो गया और बंगाल में तो मैं रहा कॉलेज एंड ऑल दिस आई डिड देयर बट
उसके बाद जैसे मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंचा दिल्ली, तो एक नॉर्थ इंडिया के साथ मेरा एक कनेक्शन शुरू हो चुका, और दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश थिएटर जर्नी शुरू हो चुका वहां पर काम करना, एंड एज अ फ्रीलांस ऑफ थिएटर आर्टिस्ट विथ माई फ्रीलांसिंग आई ट्रेवल्ड ऑल ओवर इंडिया। कभी मैं मुझे आज भी याद है मेरा फर्स्ट थिएटर प्रोडक्शन आफ्टर कंप्लीटिंग ड्रामा स्कूल आई डिड इन लद्दाख। तो बहुत कम लोगों ने लद्दाख में शायद मतलब ट्रेवल किया, बट आई डिड माय फर्स्ट थिएटर प्रोडक्शन इन लद्दाख। उसके सेकंड प्रोडक्शन मुझे आज भी याद है आई डिड इन अरुणाचल प्रदेश। सो ये सारे जगह पर जैसे अरुणाचल प्रदेश की वर्जिन ब्यूटी और जिस तरीके का डाइवर्सिटी, ये सारे जगह जाके मुझे लगता है कि हम लोग जब थिएटर स्प्रेड करते थे, थिएटर मूवमेंट स्प्रेड करते थे रिमोट एरियाज में, इंडिया में ऐसे बहुत सारे खूबसूरत जगह है और बहुत रिसोर्सेज है। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला अपने ही देश से, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला ये ट्रैवलिंग से, कभी ओडिशा के रिमोट में, कभी केरला के रिमोट में। तो एंड विद दिस थिएटर ऑफ मूवमेंट एंड थिएटर विद कल्चर ऑफ पीस मिशन, मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, एक्सप्लोर करने को मिला। और नॉर्थ इंडिया में तो बहुत कुछ मुझे एक्सप्लोर करने को मिला, चाहे वो लखनऊ आप कहिए, बचपन से एक हमारे अंदर जो हम लोग पूर्व भारत से हैं, जब हम उत्तर भारत में आते हैं तो हमारे एक एक फैंटेसी, एक रोमांटिसिज्म होता है कि कुतुब मीनार दिल्ली, लखनऊ भूलभुलैया, हजरतगंज, ये सारे जो मैजिक नॉर्थ इंडिया। जब मैं फर्स्ट टाइम ट्रेन, मुझे आज भी याद है मैं जो एक मैं ट्रेन लिया था पूर्वा एक्सप्रेस, और हमारे वहाँ हावड़ा स्टेशन बंगाल में, और वहां से जब दिल्ली पहुंचते तो टूंडला करके एक जगह आता है टूंडला, और मैं सुनता हूँ कि यहाँ से विंडो से ताजमहल दिखाई देता है, ऐसा कुछ एक मीथ है जो एक जमाने में दिखाई देता था, बट you know, so all this magic of romanticism of North India, the monuments. मैं एक बार मैं मीरठ भी आया था, मैं सुभाष जी, thank you very much for inviting me, सुभाष जी, तहे दिल से शुक्रिया, और you connected me with the students and my seniors here. बहुत सारे मेरे seniors है, Dr. सुबन रावत जी, मेरे साथी कुलिन जी, भूषण जी, नमस्ते। तो मैं रिकॉर्डिंग भी मैं सुन लूंगा, आई थिंक आई विल गेट रिकॉर्डिंग लेटर ऑफ दिस इंटर इवेंट फ्रॉम सुभाष जी। तो आई ऑल्सो केम वंस टू मेरठ कैंटोनमेंट, आई वॉज शेयरिंग यस्टरडे टू सुभाष जी। तो दिस इज द जर्नी ऑफ थिएटर, थिएटर हैज लाइक आई वुड से इट्स अ वेपन of revolutionary ideas, at the same time a cultural peace mission also in everywhere. It teaches us analysis of political system, analysis of society, analysis of our life, analysis how we exist on earth, at the same time forgiveness, compassion, everything is there. Ek hamare paas model hota hai duniya mein, wo spiritual model hai, ek tarike se political model hai, spiritual or political model, uske बीच जो एनालिसिस है, चाहे सोशियोलॉजी आप देख लीजिए, एंथ्रोपोलॉजी आप देख लीजिए, चाहे वो फिल्म स्टडीज हो, चाहे वो थिएटर परफॉर्मेंस स्टडीज हो या थिएटर हिस्ट्री हो, वहां पर हम लोग एग्जिस्ट करते हैं एक एक अल्टरनेटिव एनालिसिस लेके कि हम लाइफ को कैसे रीड कर, चाहे वो साइकोलॉजी हो, एवरीथिंग थिएटर हैज इट, एंड दैट कम्स थ्रू आवर जर्नी विथ आवर ट्रेवल्स। तो मैं वही कह रहा था कि ये एक तरीके से मेरा जर्नी हुआ नॉर्थ इंडिया में, एंड देन व्हेन आई वेंट आउट ऑफ इंडिया, यू नो, एंड आई स्टिल, यू नो, आई बैक एंड फोर्थ आई विजिट इंडिया, और मुझे लगता है कि जहां पर भी मैं गया, थिएटर हैज अ वंडरफुल जर्नी विथ द मिशन ऑफ पीस। और एक डिबेट है थिएटर में, हम सब लोग जानते हैं कि थिएटर की लैंग्वेज, जो मैं शुरू में भी आप लोगों को कह रहा था कि इज इट डिस्टर्बिंग, जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं, हम लोग एक मॉडल है, बिकॉज यू ऑल आर फिल्म स्टूडेंट्स हियर, देयर आर लॉट ऑफ फिल्म्स व्हिच प्रोपगेट्स पीस, एट द सेम टाइम
टॉकिंग अबाउट वॉर, जैसे हम जानते हैं सिंडर्स लिस्ट, इट्स ए ग्रेट फिल्म सिंडर्स लिस्ट, हम लोगों ने देखा है एक जमाने में जब वो रिलीज हुआ था, कि हाउ इट कॉन्ट्रास्ट विथ वॉर एंड पीस। गांधी हम लोग बचपन से देख रहे थे, बेन किंग्सले जो गांधी की जो किरदार उन्होंने निभाया था, व्हाट ए वंडरफुल परफॉर्मेंस इट वाज, एंड दैट गांधी फिल्म आल्सो हैड द सेम थिंग एट द सेम टाइम वॉर एंड पीस। उसके बीच जो डिबेट है दुनिया में, इट एनालाइज दैट विच साइड वी विल टेक, द साइड ऑफ डायरेक्ट एक्शन of protest, and we know in India also we had both sides, non-violent movement, extremism, moderates. ये Indian history में भी हम लोगों ने study किया जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे देश में भी इस तरीके से बहुत सारे great legends also worked on this. For example, Dalai Lama is propagating peace. There is a controversy. Some Tibetans might say, okay, that's not the right tool in the form of protest. But majority in the world knows that the Dalai Lama is working on peace mission, fighting against the aggressive government of China to free Tibet. And that is from Indian soil, from Dharamshala, from our own country. That's another form of expression with his own, life mission, forgiveness and compassion. So इस तरीके से थिएटर में भी एक बहुत बड़े डिबेट है। हम लोग जानते हैं ब्राजीलियन थिएटर लीजेंड ऑगस्टो बोअल, जिन्होंने थिएटर ऑफ द ऑप्रेस मूवमेंट शुरू किया था, जब वो प्ले करते थे, रेवोल्यूशनरी प्लेस करते थे साउथ अमेरिका में, उन्होंने एक प्ले किया था कुछ फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट में, फ्यूडल लॉर्ड्स इन ब्राजील, जो हमारे देश में भी इस तरीके का बहुत सारे काम हुआ है, थिएटर में हुआ है। तो ए प्ले विच वॉज अगेंस्ट द फ्यूडल लॉर्ड्स, एंड इट वॉज पोर्ट्रेइंग अबाउट द फार्मर्स, जो हमारे देश में बहुत बड़े फार्मर्स मूवमेंट हुआ था इंडिया में, अभी भी उसका एक कंटिन्यूएशन है नॉर्थ इंडिया में, बहुत सारे जगह पर, इन ऑल ओवर द कंट्री। सो उस वक्त जब ऑगस्टो बोअल एक परफॉर्मेंस कर रहे थे ब्राजील में, तो कुछ फार्मर्स उनके पास चले आए और उनके हाथ में बंदूक था, उन सारे लोगों के हाथ में बंदूक था। उन्होंने कहा कि प्ले करके क्या होगा, चलिए हमारे साथ और हम गोली मार देते हैं जमींदार लोगों को। तो एज ए थिएटर डायरेक्टर, उस दिन शो के बाद ऑडियंस खुद, उसी सारे फार्मर्स लोग के हाथ में बंदूक था, और वो ऑगस्टो बोअल जैसे अजीम शख्सियत को कहते हैं कि चलिए हमारे साथ, जमींदार को अभी हम शूट करते हैं। तो ही वॉज फ्राइटेंड अबाउट दैट व्हाट विल बी एक्चुअल स्टांस, बिकॉज इन द प्ले, इन द परफॉर्मेंस, दे वर टॉकिंग अगेंस्ट दिस फ्यूडल पीपल, दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द फ्यूडल पीपल। सो That is where theater stands. That हमारे रास्ता क्या होगा, हम जो political theater की बात करते हैं, so, सारे दुनिया में, जैसे हम लोग आपको अभी Bartol Brecht के बारे में मैंने कहा, हाँ, तो इस तरीके के जो political जो theater है, कि उसका language किस तरीके से हम देंगे लोगों को, जो revolutionary ideas, जिसमें Augusto Boal को सोचना पड़ा कि क्या culture of peace हो सकता है। दैट्स वाई इन थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ट की जो मेथोडोलॉजी है, आप लोग चेक करना, इफ यू गूगल थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ट, इफ यू गूगल ऑगस्टो बोअल ब्राजील, यू विल सी देयर इज अ ग्रेट मेथोडोलॉजी ऑफ थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इन प्रैक्टिस। चाहे अफ्रीका देख लीजिए, चाहे टर्की देख लीजिए, इवन इफ यू गो टू सऊदी अरेबिया, लॉट ऑफ कंट्रीज, इंडिया में भी सेंटर है थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ट की, और बहुत सारे अल्टरनेटिव मूवमेंट चल रहा है इस तरीके का मेथोडोलॉजी देखे। कल्चर ऑफ पीस इज इन प्रैक्टिस, कि हम लोग एक ऐसा मेथोडोलॉजी करें थिएटर में, जहां पर हम एक सॉल्यूशन निकाले
अपने एक्टर्स से जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और विद दैट सॉल्यूशन विद दैट एनालिसिस हम ऑडियंस के माइंड हमारे जो थिएटर प्रैक्टिशनर्स की माइंड है वो चेंज हो सकता है विद फॉरगिवनेस विद अ मैसेज ऑफ पीस. सो दिस इज सेम विद फिल्म मेकर्स ऑल्सो. We know about so many filmmakers in the world when we watch their movies. तो वो एक तरीके से एक मैसेज पीस का भी उससे निकल के आता है. तो जिसलिए मैंने आपको अभी वो वॉल्स विद बशीर या गांधी जैसे फिल्म के बारे में मैं आपको कह रहा था और सिंडर्स लिस्ट के बारे में मैं कह रहा था. वैसे बहुत सारी फिल्म है और एंड आवर लाइफ इज ऑल्सो अननोन. मैं कल शायद मैं सुभाष जी को कह रहा था कि मैं एक यूक्रेनियन फैमिली जहाँ पर मैं अभी बैठा हूँ मेरे नीचे ही एक यूक्रेनियन फैमिली रहते हैं और दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ देयर हाउस जो मेरे लैंड लेडी है. तो मैं यहाँ क्योंकि किराए में रहता हूँ तो ये एक यूक्रेनियन फैमिली से मैंने किराया लिया और इस घर में कुछ प्रॉप्स यूक्रेन से भी है और मैं जो डिजाइन के अभी मैं काम कर रहा हूँ वो एक रशियन ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं कर रहा हूँ. तो मेरा दिन शुरू होता है आज भी यहाँ पर नाउ इट इज अर्ली मॉर्निंग अराउंड मे बी 6:25 और समथिंग एंड व्हेन आई गो आउट अराउंड 9:30 एक रशियन प्लेटफॉर्म के साथ मेरा काम शुरू होता है एज एन इंडियन. तो एंड देन दिस वॉर इज गोइंग ऑन नाउ in the world. So hamare rasta kya hoga? Peace and compassion. We have to break the borders. Government will fight always. They have their own agendas. United States ka apna agenda hai with NATO obsession. Russia has its own kind of aggressive policy from their government, you know. That's why they want to you want to occupy. And you know at the same time we have seen how Afghanistan was destroyed. So ye jo political system jo world mein chal raha hai just for greed to get natural resources, gas, petrol, we all know, you know, nature, wheat. Ukraine is one of the best wheat producers in the world. So if we capture all the natural resources can be there and then Russia ka apna internal गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वहां पर. तो जस्ट टू सेटिस्फाई देयर ओन वीकनेस यू नो द गवर्नमेंट इज मोर एग्रेसिव सेम एंड यू नो द ग्लोबल प्रॉब्लम इज मच मोर एक्सपेंडेड विद यूनाइटेड यू नो लाइक यूनाइटेड स्टेट्स नेटो एंड ऑल दिस. सो दिस इज द कैनवस फॉर अस एज आर्टिस्ट. दिस इज द बिग कैनवस फॉर आर्टिस्ट टू find the right analysis. तो हम सारे perspective सोचते हैं as theater artist. हम one sided कभी हमारा analysis नहीं होता कि what is going on this war and then what will be our role to bring the culture of peace. तो मैं बहुत घूमा ये अभी जो थोड़ा सा आप लोगों ने introduce किया था ये just passion है. इसमें कोई this is not something with a vanity or pride. मैंने बहुत घूमा अलास्का जैसे जगह पर मैं गया हूँ जो रशिया के बॉर्डर में है. रशिया तो मैं गया था एक्चुअली सबसे पहले मैं दिल्ली से एक एरोफ्लोट फ्लाइट लेके मुझे आज भी याद है सुबह 4 बजे मैं पहुंचा था मॉस्को वहां क्योंकि बचपन से हम सुनते हैं आंतोन चेकोव और रशियन फिल्म्स यू नो तारकोव्स्की चेकोव के बारे में जैसे हम सुनते हैं तो वो एक रोमांटिसिज्म होता ही है हर लोगों का. तो बचपन से हम लोग फेयरी टेल्स पढ़ते थे रशिया के और जब मैं वहां पहुंचा स्टानिस्लावस्की सिस्टम और ये सब जानना माइकल चेकोव सो दैट इज अनदर जर्नी. बट एट द सेम टाइम आई हैव गॉन टू ऑल्सो वेरी यू नो कंट्रीज विच मेनी पीपल हैवंट बीन देयर और अवॉइडेड और they haven't gone there. जैसे मैं ग्रीनलैंड पहुंच गया था डेनमार्क से. मैं कुछ साल डेनमार्क में रहा यूनाइटेड स्टेट्स आने के पहले तो वहां से डेनमार्क के साथ ग्रीनलैंड के कनेक्शन होता है तो वहां से थोड़ा मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला लाइफ में टू सी द इंडिजिनस लाइफ ऑफ ग्रीनलैंड वहां के जो नेटिव अमेरिकन है. तो जब हम लोग नेटिव अमेरिकन थिएटर प्रैक्टिस करते हैं चाहे वो ग्रीनलैंड हो चाहे हवाई हो
चाहे अलास्का हो यूनाइटेड स्टेट्स में, जब हम मेक्सिको हमारे यहाँ बॉर्डर है, मैं जहाँ पर हूँ कैलिफोर्निया में हमारे यहाँ बॉर्डर है, मैं जब मेक्सिको चला जाता हूँ सेंट्रल अमेरिका, या जब मैं बोलीविया या साउथ अमेरिका पहुंचा पेरू, तो लगता है कि थिएटर लैंग्वेज इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, यू नो एनी प्रैक्टिशनर फ्रॉम इंडिया ऑल्सो, इट्स लाइक ए यूनिवर्सल लैंग्वेज, यू कैन वर्क एनी वेयर विथ मल्टीकल्चरलिज्म एंड मल्टीकल्चरल थिएटर. And then I think that is where what we are doing, breaking the borders. So that is why this topic of this seminar, this conference, this gathering, मैं इसको कहूँगा कि हम लोग एक साथ शिरकत दे रहे हैं हम सब लोग, और मुझे लगता है कि ये जिस तरीके से यहाँ जो students भी है, जो हौसला अफजाई करने वाले students है, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस. मैं भी अपने आप को स्टूडेंट्स मानता हूँ. तो आई थिंक कल्चर ऑफ पीस इन थिएटर ब्रेक्स द बॉर्डर. तभी ये मेरे लाइफ के साथ हुआ है. जब मैं इंडिया से बाहर आया, जहां पर भी मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि दैट इज आवर कल्चरल लैंग्वेज ऑफ थिएटर विच ब्रिंग्स पीस ऑल्सो. If we only, you know, theater has a big part of revolutionary ideas and protest and all, वो तो रहेगा. लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी independent analysis है, world war को लेकर, war को लेकर, हमारे environment में जो destruction हो रहा है, we know all over the world there is so much problem with our environment. तो हम लोग हमारे जो we have to honor our people, जो हमारे tribal कल्चर है, हम उसको नेग्लेक्ट किया बहुत सालों से. वर्ल्ड के शुरू में थिएटर की ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, फिल्म मेकिंग की भी प्रॉब्लम्स है, कुछ सब्जेक्ट्स को हम छोड़ देते हैं. जैसे इंडिया में भी दलित एज ए सब्जेक्ट थिएटर में बहुत कम आया है. दलित मूवमेंट के बारे में, दलित वॉइसेस के बारे में, जो अभी हम सोच रहे हैं इसके बारे में इंडिया में, एज फिल्म मेकर्स पीपल आर थिंकिंग, as theater makers people are thinking, same thing happened in United States. Jo Native American jo community hai, people didn't thought about that. Jo environmental damage ho raha hai every day, jo ozone layer ki jo problem hai, global warming, hum log theater mein bahut kam baat karte hain. Kabhi kabhi hum drawing room ke problems mein chale jate hain, domestic drawing room problem about self, wo to rahega. Film mein bhi wahi hai, because if we see our big film industries, they don't capture some of this kind of subject. There are very less you know, films about indigenous people, about Greenland. Kya hum jante hain ki hame English theater ke bare mein pata hai India mein bahut sare cheeze, but we don't know about theater practiced in remote parts of Africa or South America, jo political theater ho raha hai South America mein, in Colombia, or about indigenous theater in Greenland or indigenous theater in New Zealand, we don't know. तो यही आज मैं कहूँगा कि World Theater Day, जो बहुत ही एक अच्छे reminder है every year, जिसलिए आप लोगों ने भी other than your film studies, you have taken this very powerful subject that theater can be a language of peace, and that I believe that there are a lot of methodologies and in theater philosophy, in practice, and which can be applied in filmmaking also, because theater and film ki ek journey saath saath hai. Ingmar Bergman from Sweden was actually a theater director in the beginning, then he became, you know, a filmmaker. So main itna hi kahunga. Thank you very much for all of you, and I think this will be our mission for 2022 in this time when there is a kind of a lining we are seeing for third world war and all, how theater can change the world, that there will not be destruction and war, where we can stand with our own people with the culture of peace, breaking the borders. To hum us tarike ka theater practice shuru kare aur methodology hum start kare jisme hum peace ko hum transfer kar sakte hain, aur film ke through, theater ke through, hum log film medium has tremendous power in that screen, the magic. So through showcasing, you know, projecting films, how we can change the world with the peace.
तो ये एक बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है इस तरीके से काम। मैं जब फ्रांस में था एक बार एक प्रोजेक्ट में देखा कि अफगानिस्तान में तालिबान एरियाज में कैसे कल्चर ऑफ पीस मैसेज के साथ थिएटर किया जा सकता है। मेरे कुछ दोस्तों ने भी किया भी वहां पर, मुझे भी एक मौका मिला था, उस वक्त मैं वहां पहुंच नहीं पाया एंड इट वॉज डेंजरस ऑल्सो एट द सेम टाइम, बट सम ऑफ माई फ्रेंच फ्रेंड्स दे डिड दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो मैं इतना ही कहूंगा कि थिएटर के पास जबरदस्त शक्ति है, वी हैव ट्रिमेंडस पावर ऑफ थिएटर एंड फिल्म लैंग्वेज ऑल्सो, वेन वी सी पासोलिनी, वेन वी वॉच फिल्म ऑफ गोदार, ट्रूफो, बुनुएल, ऑल दिस ग्रेट फिल्म का सत्यजीत रे हमारे इंडिया से, वी ऑल नो द जर्नी ऑफ सत्यजीत रे, एवरीबॉडी इफ यू वॉच द फिल्म गोपिका एंड बाघाबाइन ऑल्सो, उसमें वॉर एंड पीस की बात है उस फिल्म में। लॉन्ग टाइम बैक ये सारे फिल्म हुआ है, दीस आर दैट्स व्हाई आई गेव यू सम अदर रेफरेंस लाइक वॉल्स विद बशीर एंड ऑल। सो आई एट द एंड आई वुड से दैट पीस पीस एंड पीस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये एक शिरकत है, हम एक साथ हम सब लोग इसमें पार्टिसिपेट किया एंड मुझे भी मतलब इस ऑनगोइंग टॉक में इट्स ऑल स्पॉन्टेनियस, स्वतः स्फूर्त है, और मुझे लगता है कि अगर आपके पास कोई प्रश्न है आप जरूर मुझे बाद में आप अभी भी यू कैन पुट इट और लेटर ऑन यू कैन राइट मी थ्रू सुभाष जी, आई विल डेफिनेटली कम बैक टू यू। एंड व्हेन आई वॉच द रिकॉर्डिंग एंड आई विल लिसन ऑल द अदर स्पीकर्स, आई विल ऑल्सो लर्न अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर, दैट वॉज रियली वर्थ लिसनिंग द होल जर्नी ऑफ योर्स, as it was regarding not only about theater but the struggling of life and the world peace, especially when you are directly facing the Ukraine war and all, and that was really worth listening. I mean, jab hum theater ki baat karte hain, hum emotions ki baat karte hain, aur emotions mein ek hota na ki jab tak hum chehre pe apna dard, agar main bahut acha kalakar hu to mere chehre se dard jhalak hi nahi sakta, to apne chehre ke emotions ko control karna, jaise abhi Suman Rao sir ne ek line kahi thi, अगर आप एक अच्छे थिएटर से आप सीखते क्या हैं, तो सिर्फ आप एक अच्छी अदाकारी नहीं सीखते, आप सिर्फ स्टेज संभालना नहीं सीखते, आप साथ में ये भी सीखते हैं कि आपके जो अंदर के स्किल्स हैं आप उनको कैसे डेवलप कर सकते हैं। अगर आपके सामने 100 लोग हैं, आप अपने आप को बेहतर प्रेजेंट करना सीखते हैं, इसके अलावा आप अपने विचारों का अच्छे से संयोजन सीखते हैं, यानी अपने बात को कैसे कहना चाहिए, कितने शब्दों में कहना चाहिए, उससे सारगर्भित करना चाहिए, और उसका इम्पैक्ट कहाँ तक जा सकता है, इसका आकलन एक थिएटर आर्टिस्ट या थिएटर को लिखने वाला या थिएटर को डिजाइन करने वाला या थिएटर को जो डायरेक्ट करने वाला है, वो सब उसका पार्ट होता है। जब आप इस विधा से जुड़ जाते हैं, मुझे याद है जब हम लोगों ने अपने कॉलेज डेज में सीखा था, तो हमें सिखाते थे कि यहाँ से लाइट पड़ती है, रेड लाइट पड़ेगी तो आप गुस्सा दिखाएंगे, मतलब आप लोग थे उसके मास्टर्स हैं, हम लोगों ने तो बहुत ही कम एपिसोड सीखने को मिल पाया, और फिर हम पत्रकारिता की राह पे चल पड़े थे, इसलिए वो सफर बहुत लंबा नहीं चल पाया और स्कूल के कुछ एक स्टेजेस से ही सिमट के रह गया। लेकिन आज जब मैं आप लोगों को सुन पा रहा हूँ, तो आई एम वेरी मच कनेक्टिंग माई सेल्फ विद दिस आर्ट एंड आई एम काइंड ऑफ कर्सिंग माई सेल्फ दैट आई वुड हैव चूज़न दैट लाइफ एज वेल और शुड हैव बीन एक्टिव इन दैट लाइफ एज वेल, बट इट्स इट्स वाज रियली ग्रेट टू बी विद यू गाइस एंड नाउ सिंस यही एक्सपीरियंस या यही मौका मेरे अनुज मेरे स्टूडेंट्स को इन सबको मिल रहा है, तो आई विल रिक्वेस्ट कि किसी भी स्टूडेंट्स के पास या किसी भी जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इनके कोई भी सवाल है तो हमारे साथ, अब हमारे सभी वक्ता हमारे साथ हैं जिन्होंने अपने बहुत ही शानदार वक्तव्य और इतने ज्यादा जानकारी से भरा हुआ वक्तव्य दिया है, तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन दे कैन आस्क। हमारे चारों वक्ता रुद्रदीप सर, सुमन सर, सभी हमारे साथ हैं, स्टूडेंट्स किसी भी स्टूडेंट के पास कोई सवाल है, क्योंकि इस तरह के मौके रोज रोज नहीं मिलते और स्पेशली आप लोगों से तो हम लोगों को ही जुड़ना बहुत मुश्किल से मिलता है, तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही बड़ी जर्नी है, भी तो उनका सारा करियर सामने पड़ा है। रुद्र, may I ask one question, sir? Yes, please go ahead, ma'am. Dr. Manju Gupta, Dean Education. What I feel is this is a question from Rudradeep sir. Is there any, because you told about the Russia and their culture and other things. Do you feel whenever we have the stage plays, the character, the participant, the hero has more intense quality or absorption of those cultural values when he is on the stage?
or is there some artificial? Because what I feel is stage artists or the theatric art has more intense values in it rather than the film or other characters. So what is your opinion about? Okay, that's so it's a very very I think interesting question. Thank you very much for putting it. I would say that, you know, you are right. In cinema, the language of cinema, or when we discuss about film studies, we see the real. जब हम स्टारकोव्स्की के कोई फिल्म्स देखते हैं तो वो रियल कैरेक्टर्स ही वहां पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं ना, जो वो जो रशिया से बिलोंग करते हैं. जो सपोज सम पीपल ग्रू अप इन साइबेरिया और समथिंग, सम एक्टर्स, सो दे आर परफॉर्मिंग. तो वो जैसे पॉलिश फिल्म में हम पॉलिश एक्टर्स को ज्यादातर देखते हैं, जो जिस तरीके का हिस्टोरिक पॉलिश फिल्म्स हुआ है. सेम विथ रशिया, द लैंग्वेज ऑफ थिएटर इज वेरी पावरफुल. बिकॉज हम जानते हैं इंडिया में भी हम लोगों ने बहुत सारे चेकऑफ की प्रोडक्शंस देखे हैं, जो हिंदी बेल्ट में भी हुआ है, जो साउथ इंडिया में भी हुआ है, और जो ईस्टर्न इंडिया, एवरीवेयर, इवन इन मुंबई ऑल्सो यू कैन सी अ चेरी ऑर्चर्ड और द थ्री सिस्टर्स. And that is a big problem, because when it is actually great, because from childhood we read Chekhov, you know, we imagine ourselves as those Russian characters. वो enhance किया हम लोगों को theater सीखने में और theater को जानने के लिए. वो जो poetry है, जो metaphors है Chekhov plays में. But at the same time, because I was in drama school, in the training I would say, जब मैं कलकत्ता में था, बंगाल में भी हम लोगों ने चेकऑफ की प्ले किया था. बहुत शुरू शुरू में हम लोगों ने चेकऑफ की कुछ कहानियां के ऊपर हम लोगों ने प्लेस करते थे. तो उस वक्त रशिया को जानना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि बचपन से हम एक होता था कि आप जानते हैं बहुत पहले रशियन बहुत सारे पब्लिशर्स किताब भेजते थे इंडिया में. तो राडू का पब्लिशर्स, मीर पब्लिशर्स, उनकी किताब हम पढ़ते थे, फियरी टेल्स. उस तरीके से हम सोचते थे कि हम रशिया को कैसे जाने. पोएट्री, वहाँ जो मूवमेंट हुआ है अक्टूबर रेवोल्यूशन, लेनिन, ये वो, तो एक एक तरीके से हम सोचते थे कि रशिया को, बट एक्चुअल रशिया क्या है बहुत मुश्किल होता था. इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक टीचर हमें मिला था, सुबन भाई को भी पता है, सुबन जी यहाँ पर मेरे सीनियर है National School of Drama से, and we worked also a long time back together. He was in my play, one of my big theater project on Mahabharata. He actually acted as Indra in that theater. तो वो बाद में मैं कहूँगा why I selected him or why he was casted. But जब हम लोग drama school में थे, एक हमारे teacher है अनामिका हक्सर जी, डायरेक्टर है, बहुत ही नामी डायरेक्टर इंडियन थिएटर के. ही स्टडीड इन रशिया फॉर 6 इयर्स आफ्टर कंप्लीटिंग हिज कोर्स इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. शी वेंट टू स्टडी इन रशिया 6 इयर्स शी स्टडीड, शी केम बैक टू टीच इन इंडिया थिएटर स्टूडेंट्स. तो ऐसे ऐसे कुछ टीचर्स हमें इनपुट्स देते थे कि रशिया कैसे है, वहां के लाइफ कैसे है. जब हम प्ले करते थे रशियन कैरेक्टर, कहीं ना कहीं हम सोचते थे, वी यूज्ड टू स्टडी डिफरेंट बुक्स अबाउट द जियोग्राफी ऑफ रशिया, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ रशिया, द पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी एंड एवरीथिंग. बट व्हेन आई फर्स्ट वेंट, यू नो, टू रशिया, एंड व्हेन आई एक्चुअली was in the soil of Russia, when you see those architecture of those blue colored domes and all these building, Russian jo church hota hai, uske andar jaane ke baad aapko pata chalta hai exactly that is the actual feeling, you know. Sometimes theater is like that, but that is the invisible power of theater also. Hum bahut jaldi hum ek African character bhi ban jate, jisliye hum log sab log rangmanch mein aaye. अचानक मैं एक यूक्रेनियन हो सकता हूँ थिएटर में. मैं आपको एक छोटा सा चीज दिखाता हूँ, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. यू वेट वन सेकंड. हमारे जो थिएटर की वर्ल्ड क्यों पावरफुल है, मैं आपको बताता हूँ. एक स्टानिस्लावस्की, जो रशिया से आप जानते हैं बहुत बड़े डिरेक्टर थिएटर फिलोसॉफी जिन्होंने सोचा था, वो कहते हैं कि मैजिक इफ थिएटर की सबसे बड़े जो पावर है, मैजिक इफ इमेजिनेशन, जो एक एक्टर को कहीं भी ले जा सकता है. आई कैन बी ए कैरेक्टर इन अनदर प्लेनेट आल्सो,
in my own imaginary world. So this is a prop in my own place, you know, because I live with a Ukrainian family. Oh, wow. तो ये देखिए ये एक props है, ये यूक्रेन के है. Okay. This props in this place is actually a props from Ukraine. Uh-huh. Uh-huh. तो जब मैं इसमें बैठता हूँ तो आई ऑल्सो थिंक दैट आई नो अबाउट यूक्रेनियन यू नो एम्ब्रॉयडरी दे हाउ दे बेक देयर ब्रेड्स. तो वो मुझे सिखाए ये सर कि कैसे आप ब्रेड तैयार करते हैं यूक्रेन की. उनकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी है उनके जो यू नो द कॉस्ट्यूम्स एंड ऑल. तो जब now I understand little bit more about if I want to play a character, Ukrainian character, तो मुझे सबसे पहले उनके embroidery, उनके cooking, उनके baking, उनके language. तो this is what we are doing. But one time, you know, when I didn't came to Ukraine also, in India also, जो मैं आपको मैं कह रहा था कि in drama school we used to do Russian plays through our own research. And then comes the imagination. तो I believe हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स है, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स है जो सोचे हैं एक्चुअली एक अलग देश के सब्जेक्ट को भी उन्होंने उठाया है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उनको निभा है फ्रॉम देयर ओन इमेजिनेशन. इट्स नॉट कम्प्लीटली रियल. हाँ, सिनेमा में होता है कम्प्लीट रियल. मैं जब इटालियन फिल्म देखता हूँ या फ्रेंच न्यू वेव फिल्म देखता हूँ या न्यू रियलिज्म देखता हूँ इटली के, तो वो उसी कैरेक्टर्स को लेते थे. कभी कभी वो रियल कैरेक्टर्स को लेते थे, जिसे हम जानते हैं डेसिका के बाइसाइकिल थीप्स. ही यूज टू टेक रियल कैरेक्टर्स फ्रॉम इटली, वर्किंग क्लास के जो लोग है. बाइसाइकिल थीप्स इज अ ग्रेट फिल्म. इवन सत्यजीत रे वॉज इंस्पायर्ड फॉर पाथेर पांचाली ऑल्सो. इट इज कम्प्लीटली टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बट ही वॉज इंस्पायर्ड विद सम ऑफ दिस ग्रेट ग्रेट डिरेक्टर्स. ओके, रेनोयर से भी वो इंस्पायर्ड थे. सो वी इमेजिन द वर्ल्ड. तो इमेजिनेशन हैज अ बिग पावर. आई कैन बी अ मासाई, आई कैन बी अ अलास्का नेटिव. जैसे हम जानते हैं इनुइट्स जो अलास्का में है, और यू नो जो इग्लू और ये सब हम सोचते हैं. इग्लू के जो आर्किटेक्चर मैंने तो कभी रहा नहीं, लेकिन वी एज एन एक्टर इमेजिनेशन. एब्सोल्युटली, इफ वी हैव गुड इमेजिनेशन प्लस रिसर्च. Research is very, that's why we study in film studies and theater, why we are studying. Ek actor ko kitna study karna padta hai, ek character ke liye kitna study karna padta hai us jagah. Chahe aap ek Rajasthani character hum utha le, Vijay Dandeta ki kitab, ek folk tale hum padke, even, you know, when I grew up in mostly South India and Eastern India, when I visited Rajasthan, to lagta hai ki Chittor, जैसलमेर, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, उनका खान पान. तो दिस इज व्हाट थिएटर इज. आई यस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट. यू हैव टू इंटीग्रेट ऑल दोस कल्चरल थिंग्स यू नो अराउंड. एब्सोल्युटली यस सर. अ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड एट लीस्ट फॉर ऑल द गेस्ट स्पीकर्स ओवर हियर. Like, you know, theatre really has so much impact on the people's mind and character. But why people, those artists are losing their interest in theatre art? Is it the financial barrier or some other thing? Because most of the people are shifting from theatre to movies or other ways. Though it is such a big art which can bring a change, in social change. Mm-hmm. I allow other speaker little bit, yes, because sir. I took a long time, then I will come back to you. I have an answer. Okay, sir. Yes, sir. So open question to all. Yes. I believe Kuleen sir will like to answer this question. Kuleen sir, can you hear me? Kuleen sir, kya mujhe Kuleen Kumar Joshi ji aap mujhe sun pa rahe hain? Okay. जी प्लीज सर. आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस सर, यू आर वेरी मच ऑडिबल सर. ओके. एक्चुअली द थिंग इज मैम, ओनली दोज आर लीविंग थिएटर हु आर नॉट गिविंग प्रॉपर टाइम टू द थिएटर. अदरवाइज दोज ऑल एक्टर्स हु आर ट्रेंड इन थिएटर एंड दे आर कमिंग अगेन एंड अगेन. आई हैव अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स. आई हैव सीन परफॉर्मेंसेस बाय नसीर सर, राकेश बेदी इज यूज टू परफॉर्म अगेन एंड अगेन, यू नो अतुल कुलकर्णी कम्स ऑन स्टेज, अनुपम खेर अगेन अगेन एंड अगेन. दे आर ऑल दोज एक्टर्स आर कमिंग ऑन स्टेज
because they can't get those all things, those all responses, live responses, because we all know that theater, that television and film is a recorded medium. No, yes, there sir. Is no action reaction type of thing. So yes. these are big examples whatever I am giving you, but at the same time the thing is, number of actors, number of theater practitioners are working all around the country. If I talk about India especially, otherwise in other number of groups are there, ma'am. They are working without resources. They don't have favorable conditions, but in so many difficulties they are continuously working, and they are presenting wonderful performances, I must say. This is from my side. Yes. I will request Suman Rawat sir is still there. Suman Rawat sir, sir, please. Sir. Yes, sir. Actually, में जो आनंद रंगमंच का है वो तो आपके इसमें स्क्रीन वाले में तो हो ही नहीं सकता है. तो देर आर यू नो अ लॉट ऑफ एक्टर्स, इवन कुछ एक ऐसे भी अभिनेता रहे हैं जो हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन रुद्रदीप चक्रवर्ती के डायरेक्शन में उन्होंने भी रंगमंच किया. जैसे डोरा सहगल है, टॉम ऑल्टर है. टॉम ऑल्टर को फिल्मों में भी उतना ही जबरदस्त उम्दा अभिनय किया है. सो जो उसका एक यू नो चैलेंज है, जो चुनौती है, वो तो रंगमंच में ही है. और स्पेशली अगर हम महाराष्ट्र का मराठी थिएटर लें या ये बंगाल का बंगाली हो, तो ये अलग बात है कि हमारे नॉर्थ में प्रोफेशनली उस तरह का नहीं है, बट मैजिक तो है कि कैसे वो चैलेंजिंग है. थैंक यू सो मच एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल ऑन दिस ऑक्सपिशियस डे. रुद्र वुड लाइक टू थैंक यू सुबन सर. थैंक यू वेरी मच. एक्चुअली अभी मैं कह रहा था कि सुबन जी ऑल्सो एक्चुअली एक्टेड इन वन ऑफ माई वेरी यू नो लार्ज स्केल थिएटर प्रोडक्शन ऑन महाभारत. बिकॉज हमें वो हिमालयन ट्रेडिशन में सोच रहा था, क्योंकि हमारे वहां पर भी आप जानते हैं, व्हेन आई ग्रू अप यू नो इन ईस्ट इंडिया इन बंगाल वी हैव द हिमालयस. हम जलपाईगुड़ी शिलीगुड़ी जाते थे, दार्जिलिंग जाते थे, तो वहीं से हिमालय के ऊपर मेरे एक इंटरेस्ट हुआ था. उसके बाद जब मैं नॉर्थ इंडिया में, मैं 10 साल रहा दिल्ली में, तो मैं रेगुलर आई यूज्ड टू गो टू उत्तराखंड, हिमाचल, यू नो आई बीन टू कश्मीर, तो इन सर्च ऑफ द हिमालयन ट्रेडिशंस. तो जब मैं सुबन जी से मिला, क्योंकि सुबन जी ग्रीव अप इन उत्तराखंड, सो आई वांटेड टू नो अबाउट द इंडिजिनस कल्चर. तो हम लोगों ने एक सीन किया था इंद्र एंड द अप्सरास, तो वो उसके बारे में वी पोर्ट्रेड इट एज अ ट्राइबल कल्चर ऑफ द हिमालयन एरिया, सम ऑफ द एरियाज ऑफ यू नो जो द्रौपदी और जो पांडव की जो पॉलीएंड्री की जो थीम्स है कि वन वुमेन हैव फाइव हस्बैंड्स. यू नो इंडिया में एक जमाने में व्हाट इज आवर इंडिया इज लाइक दैट. वी हैव सो मच थिंग्स विद एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी एंड ऑल. तो सुबन भाई वॉज परफेक्ट फॉर दैट कैरेक्टर फॉर इंद्र. तो हम लोगों ने वो एक ट्राइबल किंगडम दिखाया था, इंद्र और जो अप्सरास और जो इंद्र सभा है. सो दिस इज व्हाट आल्सो द इमेजिनेशन ऑफ थिएटर. बट आई विल आंसर योर वेरी वैलिड क्वेश्चन. यस, इंडिया में इसके प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि मैं यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारे फिल्म एक्टर्स दे साइड बाय साइड डू थिएटर ऑल द टाइम, इवन वेरी फेमस एक्टर्स. मैं एक शो देखा था बीच में, सैमुअल जैक्सन sir was there, he was acting. I met in my life, I worked in a project with Keanu Reeves also, great actor. Uh-huh. Keanu Reeves, so much famous actor, world famous actor. Uh-huh. He also do Hamlet. He performed Hamlet at the same time in theater. Hamare ek theater ki jo hamare jo ecology hai, theater ki jo aap jante hai jo economic jo ek India mein jo problem hai theater ko lekar, quick success ke liye, at the same time to get more exposure and fame, you know, people do films and now you know there is a big market of web series in India and all. Yes, but city mere pehle jo do speaker ne bhi ye kaha, Kulin ji ne bhi kaha aur Subhan sir ne bhi kaha ki theater ki jo magic hai, this is true, because when I was teaching in Film Institute in Pune, और वहां पर ओम पुरी साहब उस वक्त आ चुके थे स्टूडेंट्स को कुछ एक्टिंग इनपुट देने के लिए. तो एंड दैट टाइम आई वाज डायरेक्टिंग ए प्ले, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, शेक्सपियर के एक प्ले. तो रात में ओम पुरी साहब
such a legendary actor, he used to cry, you know. वो सोचते थे उस जमाने में अलकाजी सर के टाइम उन्होंने जो जो प्ले किया था एनएसडी रेपर्टरी में पूरे डायलॉग्स उनको याद था. He used to, you know, narrate all these dialogues and deliver dialogues of Danto's death and all these plays. Jo wo NSD Repo and mujhe matlab ek din to wo ro rahe the raat mein. We were sitting there and you know he was telling me, Rudra, I want to do theater. Oh, film mein jitna bhi mujhe input milta hai, kitne sare films unhone kar chuke the that time, you know. This is around, I'm talking about not so long, like 2008 ki baat main kar raha hun aapko. So Om Puri sir used to he used to complain that I want to do theater again. Mujhe le chalo kahin aur main phir se drama school join karna chahta hu. So why? Because it's right, the magic of theater. Kyunki aap jante jab ek film ke bahut sare technique hai, independent technique of acting and filmmaking, but zyada tar bahut shortcut and super fast mode mein bhi hota hai bahut sare filmmaking, popular filmmaking mein. लेकिन थिएटर में तो एक कभी कभी एक प्ले के लिए 2-3 साल लोग लगा देते हैं, उसकी सोच, रिहर्सल, द बिल्डअप, द प्रोसेस, सो देन द पावरफुल प्ले कम्स आउट. तो उस तरीके से डेडिकेट करना जो पैशन है थिएटर की, एक दिन में नहीं हो जाता कैरेक्टर. एक जेकॉब की मैं आपको कह रहा था, चेरी और चैट, कि अगर एक कैरेक्टर करना बहुत, that kind of research about Russia and you know about our Indian adaptation में भी हम अगर चेकोव को प्लेस करें राजस्थान या कहीं पर भी कैरेक्टर को, तो वो उसमें जो जर्नी है, मेटाफोर्स को समझना, इमेजेस को समझना, तो उसमें जो टाइम लगता है, that's why I shared about Ingmar Bergman, great filmmaker, he came from theater. Baz Luhrmann, he's a world famous film director now. Baz Luhrmann ki Romeo Juliet hum logon ne dekha hai, and he actually studied theater in Australia. So Nicole Kidman, Hollywood actress, studied theater. To Mel Gibson studied theater. So ye bahut sare theater and film is like this, you know, it's connected. फिल्म्स ने तो बहुत कुछ लिया थिएटर से, एंड थिएटर आर्टिस्ट भी लेते हैं मॉन्टाज एंड बहुत सारे फिल्म लैंग्वेज एंड टेक्निक्स वी समटाइम यू नो वी टेक ऑन स्टेज आल्सो. हमारे पास यू नो प्रोजेक्शंस है ये वो, एंड एक्टिंग में भी बहुत सारे यू नो मेनी ऑफ दिस मार्लोन ब्रांडो दे केम फ्रॉम थिएटर, एल पैचिनो केम फ्रॉम थिएटर. So, वो ये जो होता है कि मार्लॉन ब्रांडो, एल पैचिनो, ग्रुप थिएटर, मेथोड एक्टिंग, इसके बारे में जैसे सोचते हैं लोग थिएटर में, तो मुझे लगता है कि एक ये हमारे इंडिया में एक सिस्टम हो चुका है. बिकॉज यू नो व्हेन वी हैव टू इंस्पायर आवर यंगस्टर्स टू डू थिएटर एज अ प्रैक्टिस मोर, दे ऑल कैन डू फिल्म्स, वेब सीरीज, टीवी सीरीज, ऑल दिस विल गो ऑन, यू नो. बट आई थिंक जिन्होंने भी थिएटर से शुरू किया है, मेरे तो बहुत सारे दोस्त भी हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जो अभी यू नो फिल्म इंडस्ट्री में है, वो सारे थिएटर मिस करते हैं और करना चाहते हैं थिएटर. व्हाई? सो दिस इज द आंसर. आई थिंक द मैजिक ऑफ थिएटर कैन नॉट बी रिप्लेस्ड एनी टाइम. यस, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. सर ने बहुत ही सही शब्दों में कहा कि थिएटर इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, और जो लोग थिएटर को छोड़ चुके हैं उनके लिए कहते हैं ना कि तुम क्या जानो इस दरिया पे क्या गुजरी, तुमने तो बस पानी भरना छोड़ दिया. तो उस दरिया पे क्या गुजरती है, या उस थिएटर पे और उसके आर्टिस्ट पे और उस आर्टिस्ट के दिल पे क्या गुजरती है, या तो वो थिएटर जानता है या वो आर्टिस्ट जानता है. उनका संघर्ष, उनका मॉनेटरी प्रॉब्लम, वो सब एक जगह, लेकिन थिएटर का सेटिस्फेक्शन एक जगह. That is also important because you know jo question bhi aaya tha, it is true that we have to build up, you know, jaise bahut jagah repertories hota hai, bahut sare, you know, we have to also make an infrastructure. हमारे इंडिया में ये मैं सोचता हूँ, मैं बाहर में मैं रहा और मैं जब मैं वापस आऊंगा मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ, चाहे वो विलेज में हो. एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्टर्स इनसिक्योर हो जाते हैं एक टाइम आने के बाद. ये भी मैं साइड बाय साइड ये नहीं कि अच्छा थिएटर की मैजिक है और ये वो, वी हैव टू डू थिएटर, बट एट द सेम टाइम अगर हम वो थोड़ा सा हम काम करें, इसमें सरकार को ही काम करना पड़ेगा, लेकिन साइड बाय साइड हमारे रंगकर्मी जितने हैं ये भारत में, अगर हम इस तरीके से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर करें कि जिसमें एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिलता है एक्टर को, तो आई थिंक यू नो देन पीपल विल नॉट रन अवे सो मच. फेम तो है
money and fame is more maybe in some of the place where theater can be both fame and, you know, theater also can bring revenues also if you do in a proper way, like, you know, the designing of theater to many things. But मैं सिर्फ acting department की बात कर रहा हूँ जिसमें insecurity बहुत होता है एक actor को कि कहाँ से हम ये मतलब every month how an actor will survive. ये एक बहुत मतलब powerful question है, valid question है, important question है. अगर हम कुछ alternative platform बनाए repertory जिसमें हम कुछ salary दे सकते हैं अपने traditional folk artist को या actors को, तो कुछ ग्रुप्स देते भी है, बट यू नो स्टिल आई वुड से दैट वी नीड मोर एंड मोर ऑफ दिस सो दैट वी कैन कीप एन एक्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम जो थिएटर के बारे में प्रेरित हो हमारी यंग जनरेशन सोच, क्योंकि अभी यंग जनरेशन देखते हैं अच्छा आवर रोल मॉडल क्या है इंडिया में, विराट कोहली क्रिकेट. ये स्पोर्ट्स में भी ये डिबेट है कि जो जो कबड्डी खेलते हैं वो प्लेयर वो सोचते हैं कि क्रिकेट में हर चीज चले जाते हैं, जो ग्लैमर है क्रिकेट की, जो आईपीएल की, जो रेवेन्यू फाइनेंस, तो इसके साथ साथ कैसे वो दूसरे स्पोर्ट्समैन आगे आएंगे. तो ये हमारे थिएटर में भी वही है, लोग सोचते हैं अच्छा जो वेब सीरीज के स्टार है या कोई फिल्म स्टार है उसका क्या फेम है क्या, बट एक्चुअली थिएटर की जो गिफ्ट्स है वो बहुत बहुत इट्स ए आई थिंक वी आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स. थिएटर की जो गिफ्ट है जो हम हमारे देश में जिस तरीके से हम लीजेंडरी थिएटर आर्टिस्ट हम इंडिया ने पैदा किया, चाहे अलकाजी साहब हो, चाहे हबीब तनवीर सर की जो प्ले देखते थे हम लोग, चरण दास चोर, उसकी जो मैजिक है तो वो कहीं नहीं मिल सकता है. हाँ, या पापेट्री जो करते हैं, शैडो पापेट्री इंडिया में, साउथ इंडिया या उड़ीसा में मैं जो शैडो पापेट्री देखा वो हॉलीवुड फिल्म से भी आगे है, उसकी मैजिक है. बट इट इज डाइंग, द आर्ट इज डाइंग एंड द पापेट्रियर्स आर वेरी पुअर एंड फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द लाइफ. सो वी हैव टू स्टैंड बिसाइड, हमें सारे जो बड़े बड़े ग्रुप है इंडिया के थिएटर ग्रुप्स, कल्चरल यू नो प्लेटफॉर्म्स, दे आर आल्सो समटाइम इग्नोरेंट आवर कल्चरल प्लेटफॉर्म्स. ये हमारे ओन कंट्री की कुछ प्रॉब्लम है कि इफ दे ऑल कम टुगेदर सीट एंड राइट, लोग अगर इसको फिक्स करें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर थिएटर में. We are getting lot of young people, everybody wants. मैं एक बार एक वर्कशॉप देने चला गया था खड़ग बसला पुणे में, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, सारे जो आर्मी स्टूडेंट है वो कहते हैं सर मैं थिएटर करूंगा, मैं एक्टिंग करूंगा. कोई नहीं चाहता, अच्छा आर्मी तो है एक साइड, लेकिन वो जो मजा आता है जो जब कोई परफॉर्म करता है एक नाटक और जब जो कैरेक्टर हो जाते, कहते हैं सर एंड दे आर अमेजिंग. मे बी आज इन सारे लोग मेजर हो चुके हैं या ब्रिगेडियर हो जाएंगे, लेकिन वो सारे एक्टर की जो मैजिक है वो टेस्ट करना चाहते हैं. तो एवरीवन, डॉक्टर्स, इंजीनियर, but we have to make a you know parallel and platform, ek financial thoda stability agar aa jaye to hamare field mein aur hum log sustain karwayenge, aur yahi hamare samne challenge hai india mein ki if we create something like that ek din bore ho jayenge log web series aur ye chalte chalte iski jo creative process hai ek theater making ki creative process bahut higher level mein hota hai ek web series se agar aap compare kare to people will come back to theater for sure. जब तक वर्ल्ड एग्जिस्ट करेगा लोग थिएटर में आएंगे. थैंक यू सर एंड थैंक यू ऑल द वेरी गेस्ट. एंड नाउ आई विल रिक्वेस्ट आवर डीन सर फॉर वर्ड ऑफ थैंक्स. डॉक्टर सुभाष चंद्र त्रिवेदी सर. डीन सर आर यू देयर? सर आई विल रिक्वेस्ट यू for word of thanks, sir. That was a wonderful session from my side, and I will request, sir. Really, it was a wonderful session. And first of all, I would like to say to Ravidu, sir. Good evening, good morning, sir. Good morning, good morning. Good evening to you. Good night, maybe. We are enjoying an evening, and you are fresh, you are enjoying fresh morning. So it's a very very evening or morning ka hame dono ka wo mil raha hai. To aaj jo ye humne ek world theater day pe ek sabke kar rahe hain antarrashtriya webinar ho gaya,
तो इसलिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो भी हमारे यहाँ पे रिसोर्स पर्सन थे शायद फ्रोजन हो गया है। हेलो आई थिंक वी हैव लॉस्ट आई थिंक सर इज सफरिंग फ्रॉम वीक कनेक्शन बिकॉज सर इज इन यूनिवर्सिटी एंड देर आर सम प्रॉब्लम ऑफ पुअर कनेक्शन। आई होप यू विल जॉइन अस। एक्चुअली सर डॉक्टर विशाल शर्मा सर आदिदेव विशाल शर्मा सर एचओडी सर आदिदेव sir is here. My voice is not coming you. I think sir you are suffering from weaker connection or something. We are not able to hear you properly. You know my condition of my I can understand sir. Yes, continue please. I would like to thank to all Dr. Kulin Joshi, Bharat Bhushan Sharma ji, Yogesh Samdarshi ji, Dr. Suhas Rawat ji and Ravi ji. From USA, मैं आप सबका एक बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने यहाँ पे समय दिया और इतनी अच्छी बात की। और यही है कि आज के लिए जो हमारा एक टॉपिक था कि थिएटर एंड पीस ऑफ कल्चर ऑफ पीस, ये इसकी रिलेवेंसी, इफ यू सी द रिलेवेंसी ऑफ द टॉपिक टुडे इज वेरी मच वेरी हाई एंड थिएटर हैज अ बिग पावर इन दिस वे टू मेक people's opinions and people's to motivate viewers and ek baat Rajdeep sir ne jo bahut achhi baat kahi ki indigenous culture ko jo bachane ki baat hai jo indigenous culture hi hamara asli theater hai aur wahi hamara asli theater wahi se hamara ye aadhunik theater bhi banpa hai to isliye indigenous कल्चर को हमें बचाने की बहुत जरूरत है। और मुझे ये बताते हुए भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारी कई प्रदेश सरकारों ने मैं सबसे पहले अरुणाचल सरकार ने इसके लिए इसकी तरफ पहल की है। उन्होंने अपने इंडिजिनियस कल्चर डिपार्टमेंट उन्होंने अपने मिनिस्ट्री में रखा है और उसका अनुसरण करते हुए असम गवर्नमेंट ने भी ये इंडिजिनियस डिपार्टमेंट बनाया है जो कि इंडिजिनियस फोक कल्चर जो भी है उसकी उसको उसको प्रिजर्व कर सके। बाकी बहुत अच्छा ये सेशन रहा। सभी वक्ताओं ने बहुत ही अच्छे ढंग से विषय का प्रतिपादन किया। हमारे जो डॉक्टर मंजू गुप्ता जी डीन एजुकेशन आईएमटी यूनिवर्सिटी, उन्होंने भी इसमें बड़े मन से भाग लिया। उन्होंने अपनी शंका को आपसे भी इंटरेक्ट किया। हम चाहते थे कि इसको और इंटरेक्टिव रखें लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है इसलिए नहीं हो पाया और बहुत जल्दी में हमने। लेकिन मैं अंत में आप सबका और अपने जितने साथी हैं जिन्होंने इस वेबिनार को सक्सेस बनाने के लिए कोशिश की है, मैं उन सबको धन्यवाद अदा करता हूँ। आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आप सबको इस शाम की मेरी तरफ से नमस्ते, धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार और धन्यवाद सर। विभोर जी नाउ जी सर आई एम डूइंग जी सर।